नॉवल दिल से दिल तक लास्ट एपिसोड। और ठीक आधे घंटे के बाद वो तीनों इत्मीनान से सीढ़ियाँ उतरते अपने अपने कमरों में चले गए थे। वो तीनों क्या करने वाले थे ये तो वक्त ही बता सकता था, और वक्त क्या करने वाला था वो तीनों सोच भी नहीं सकते थे। उस सुबह समार के घर में अलग ही हंगामा मचा था। सुरैया ने आशतायाब को जॉगिंग पे जाने से रोककर अपने साथ किचन में ला खड़ा किया था। वो बेचारी बमुश्किल सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। एक तो ये अम्मी पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकालती है मेरे साथ, खुद तो हमेशा किसी नॉवल की हीरोइन की तरह लोगों की खिदमतें करती रहीं, अब मुझसे भी यही उम्मीद लगाए बैठी हैं। वो दिल में कुर्ती लगातार काम में लगी रही, मुंह से कुछ कहती तो अम्मी का बेलन लाजमी पड़ता। नायाब जाओ ये नाश्ता बड़ी फुफ्फो को कमरे में दे आओ। अम्मी ने उसे नाश्ते से भरी डिश थमाई तो वह सख्त बदमजा हुई। अम्मी मुझसे नहीं दिए जाते नाश्ते कमरों में, जिसको करना है तो बाहर आके करे। उसने गुस्से से डिश उनके हाथ से लेके काउंटर पर रखी। ब्रैकेट सुरैया का तो खून ही खौल गया था ऐसी बदतमीजी पर। क्या चाहती हो, मेरी कामचोर बेटी के सबके सामने तुम्हारी कुट लगे? वो काट खाने वाले लहजे में बोलती उस तक आई तो वो बे इख्तियार डिश उठाती बाहर को भागी। लेकिन किचन के दरवाजे में खड़े हंसी दबाते नाइल पर जब नज़र पड़ी तो दिमाग ही ख़राब हो गया। हटो मेरे रास्ते से, गुस्से में उसे घूर के कहा तो जल्दी से साइड पे हटा। तुम मिलो बाद में बताती हूँ तुम्हें। वाली एक नज़र उस पर डाली और गर्दन अकड़ा के शुमाइल पुप्पो के कमरे की जानब बढ़ी। कमरे के बाहर जाकर उमट आया गुस्सा, पर मुश्किल दबाया और दरवाज़ा नॉक किया। अरे आ जाओ भाई, नॉक क्यों कर रहे हो? शुमाइल पुप्पो की आवाज़ पर उसका दिल किया कि नाश्ते की ट्रे उनके सर पे गिरा दे, मगर उफ सर झटकती मस्तूई मुस्कुराहट चेहरे पे सजाती वो दरवाज़ा खोलती अंदर गई तो उन्हें बेड पे बैठा पाया। जारून उनके साथ बेड क्राउन से टेक लगाए बैठा था। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, नाश्ता लाई हूँ, उसने मुस्कुरा कर सलाम किया तो वो दोनों चौंक कर उसकी जानिब मुड़े। ब्रैकेट जारून को देख कर जो दिल पे गुजरी तो नाकाबले बयां थी। वो उसे देख कर खिल उठा था। सुबह सुबह नायाब दिख गई थी, उसे और क्या चाहिए था। वो यकदम बेड से उठ खड़ा हुआ। वालेकुम सलाम नायाब, तुम आओ ना, खड़ी क्यों हो और ये नाश्ता तुम क्यों लाई? सारे मुलाजिम मर गए हैं क्या? खुशी और गुस्से के मिले जुले तासुरात से कहते उसने आगे बढ़कर नायाब के हाथ से नाश्ते की डिश पकड़ी और सोफे के आगे लगे मेज़ पे रखी। अरे क्या हो गया जरून बच्ची, अगर हमारे साथ नाश्ता करने आई है तो? पुप्पो मोहब्बत से बोलते उस तक आई, उसे बाजू से पकड़ के अपने साथ सोफे पे बिठाया। जारून आंखों में सितारे लिए स्टूल खींचता उनके सामने बैठ गया। वो पूरी फंसी थी। नहीं पुप्पो, आप लोग नाश्ता करें, मैंने बाकी सबको भी नाश्ता देना है, अगर गायब हुई तो अम्मी डांटेंगी। वो बमुश्किल बहाने बनाती वहाँ से खिसक जाने के चक्कर में थी। सुरैया की तो बात ही रहने दो, फूल जैसी बच्ची को हर वक्त डांटती है। मैं बात करती हूँ आज उससे, तुम बेफिक्र होकर हमारे साथ नाश्ता करो। पुप्पो जितनी मोहब्बत दिखा सकती थी दिखा रही थी। इससे पहले वो कुछ बोलती उन्होंने पराठे के साथ ऑमलेट का नवाला बना के उसकी जानिब बढ़ाया। मेरे हाथों से खाएगी मेरी बच्ची, उफ इतनी मिठास, आज तो यकीनन मुझे डायबिटीज़ होगी, उसने दिल में सोचते बमुश्किल नवाला खाया। नायाब रात को जो हुआ मुझे बताया जरूर ने, इसने बहुत मिसबिहेव किया तुम्हारे साथ। उसे अगला नवाला खिलाती सरसरी सा बोली तो नवाला नायाब के गले में अटका। एक मिनट पुप्पो, वो उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बीच में बोल पड़ी। उनके हाथ से नवाला लेके नीचे रखा और ज़ख्मी नज़रों से उन्हें देखा। अगर आपने मुझे यहाँ अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगने बिठाया तो सॉरी, मैं इसे नहीं माफ़ करने वाली, क्योंकि इसने जो किया वो किसी भी लड़की के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, उसने कतियत से सख्त लहजे में कहा तो वो दोनों घबरा गए। नायाब मैं माफ़ी मांगती हूँ इसकी तरफ से, ये नादान है। यकीन मानो जब रात इसने मुझे ये बात बताई तो मैंने इसे बहुत डांटा। पुप्पो शर्मिंदगी से बोलकर जारून की जानिब मुड़ी। चलो माफ़ी मांगो तुम नायाब से अभी। नायाब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने वो सब जान के नहीं किया था, पता नहीं कैसे मैं वो सब कर गया, प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो, दोबारा कभी वैसा नहीं करूँगा, आई स्वेयर। वो पुरयकीन लहजे में बोलता बेचैन नज़रों से उसे देख रहा था। माफ़ी गलतियों की होती है जारून, गुनाहों की नहीं, और तुमने जो किया वो कबीरा गुनाह था। एक कटीली नज़र उस पर डाल के वो उठ खड़ी हुई। और आप पुप्पो अपने बेटे को समझा दें कि दोबारा इसने ऐसी कोई हरकत की तो मैं खामोश नहीं रहूँगी। उंगली उठा के उन्हें सख्ती से वार्न किया और तेज़ी से कमरे से निकल गई। जारून यकदम मुश्तइल हुआ था। सामने रखी नाश्ते की डिश ज़ोर से हाथ मार के गिराई तो शुमाइल फ़ौरन उसकी जानिब लपकी। जारून काम डाउन, वह मुश्किल उसे कंधों से पकड़ कर संभाला। मैंने कहा था ना मम्मी वो मुझसे दूर हो जाएगी, और देखें वो मुझसे दूर हो गई।
वो जुनूनी कैफियत में बोल रहा था, आंखों की सुर्खी बढ़ रही थी। ये सब उस नायल की वजह से हुआ, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। उसने शुमाइल के बाजू झटके और जल्दी से अपने कपड़ों के बैग की जानी बढ़ा। शुमाइल फूफो का दिमाग भाग से उड़ा था। उसके कपड़ों के बैग में एक पिस्टल लाजमी हुआ करती थी। वो जल्दी से उठकर अपने हैंड बैग की जानी लपकी। जारून को फिर से दौरा पड़ा था। उन्होंने बैग में से भरा हुआ इंजेक्शन निकाला जो उन्होंने रात को ही भर के रख दिया था। वो तेज़ी से उसकी जानिब आई जो अब पिस्टल निकाल के उसे लोड कर चुका था। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। इससे पहले वो बाहर निकलता, शुमाइल ने इंजेक्शन चुपके से उसके बाजू में लगा दिया। वो यकदम उनकी जानिब मुड़ा जो आंखों में आंसू लिए उसे इंजेक्शन लगा चुकी थी। जारून ने भी यकीनी से उन्हें देखा और अगले ही लम्हे वो पूरे कद के साथ फर्श पर गिरा। शुमाइल ने आंखों से आंसू पूंछे और जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। बमुश्किल जारून को घसीट कर बेड पर लिटाया, उस पर कंबल देकर उसके हाथ में मजबूती से पकड़ा, पिस्टल निकाला और अलमारी में डाला। फर्श पर से सारा सामान उठाया, टूटे बर्तन डस्टबिन में डाले। सारा कमरा दुरुस्त करने के बाद थक के सांस लेती वो बेहोश हो चुके जारून के सराहने जा बैठी। अब वो पुरसकून था। उन्होंने झुक कर उसके माथे को चूमा, उसके बाल पीछे किए। कब ठीक होगे तुम जारून, बेबसी से उसके चेहरे पर हाथ मारती बोली और उसे वहीं छोड़ती बाहर निकल आई। उन्हें आज ही सुरैया से बात करनी थी, एक नायाब ही थी जो उसे ठीक कर सकती थी। मेहंदी वाले घर में जब सुबह के बाद दोपहर उतरी तो हंगामा मजीद बढ़ गया था। हर कोई अपनी अपनी तैयारी में लगा था। ऐसे में सुरैया के कमरे में देखो तो शदीद तनाव का माहौल बना था। सुरैया बेड के किनारे सर पकड़े बैठी थी। उनके साथ उनके शाने पे हाथ रखे झुके कुछ कहती शुमाइल फूफो काफ़ी उम्मीद लगती थी। फारूक साहब अपनी व्हील चेयर पर उन दोनों के बिल्कुल सामने बैठे थे। ब्रैकेट पैरालाइज होने की वजह से उनकी टांगें नाकारा हो चुकी थी। दाएं हाथ की मुट्ठी बना के मुंह के आगे रखे वो गहरी सोच में लगते थे। देखो सुरैया, नायाब को मैं बहू नहीं बेटी बना के रखूंगी। जरून तो पहले से ही बहुत मोहब्बत करता है उससे, तुम इतना मत सोचो, बस हाँ कह दो। शुमाइल फूफो ने ज़िद्दी लहजे में कहते उनका शाना दबाया तो सुरैया ने सर उठा के उन्हें देखा। मैं क्या कहूँ आपा, नायाब का कोई भरोसा नहीं, मैं उससे पूछे बगैर कोई जवाब नहीं दे सकती। सुरैया ने गहरा सांस लेते हाथ झाड़ लिए तो शुमाइल फूफो मुँह बनाती अपने भाई की जानिब मुड़ी। फारूक, तुम तो भाई हो मेरे, तुमसे मुझे मस्बत जवाब चाहिए। हर धर्मी से बोलती वो उन्हें ख्यालों से खींच लाई। सुरैया ठीक कह रही है आपा, पहले नायाब से पूछ लेते हैं, अगर उसने हाँ कह दी तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं होगा। उन्होंने कुछ समझकर मसलहत वाला जवाब दिया तो शुमाइल भड़क ही गई। कैसे माँ बाप हो तुम दोनों, अपनी बेटी की ज़िंदगी का एक फैसला नहीं कर सकते। उनकी आवाज़ में सदमा सा था। और क्या बुराई है मेरे बेटे में जो वो इनकार करेगी, शहजादा है मेरा बेटा, पूरे ख़ानदान में एक से एक लड़की है जिस पे हाथ रखोगी, इनकार नहीं करेगा कोई। मगर मैं तो अपने बेटे की मोहब्बत के आगे मजबूर हो के तुम दोनों के पास आई हूँ, और तुम दोनों ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे मेरा बेटा कोई मुजरिम हो। उन्होंने सर झटक कर नाराज़गी से आखिरी बात कही थी। ऐसी बात नहीं है आपा, मैं मानती हूँ कि जरून लाखों में एक है, मगर सुरैया शदीद बेबस हो चुकी थी। जरून के पागलपन का उन्हें अंदाज़ा था। अगर मगर कुछ नहीं, मुझे तुम दोनों से जवाब हाँ में चाहिए। शुमाइल ने सुरैया की बात काट कर हतमी लहजे में कहा तो फारूक साहब भी झुंझला गए। आपा, आप समझते क्यों नहीं हैं, नायाब से पूछे बगैर हम कैसे हाँ कह सकते हैं। मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी है आपा, और मैं उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई फ़ैसला नहीं करूँगा। फारूक साहब ने उनकी सारी बातों को अक्सर फरामोश करके अपना आखिरी फैसला सुनाया। शुमाइल को आग ही लग गई थी, मगर इस वक्त तहम्मुल लाजमी था। उनकी कोई भी गलत बात मजीद बात को ख़राब कर सकती थी। हाँ, मैं मानती हूँ नायाब की मर्ज़ी ज़रूरी है, मगर तुम दोनों उससे बात करोगे तो लाजमी मान जाएगी। वो ढेरों गुस्सा जब्त करती नरमी से बोल रही थी। मैं बहुत उम्मीद लेके तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे खाली हाथ मत लौटाना। आंखों में मस्तूई आंसू भर कर वो दोनों हाथ जोड़े उन दोनों से मिन्नत कर रही थी। सुरैया बेचारी तो घबरा के रह गई। जल्दी से उनके बंधे हाथ नीचे करके उन्हें गले लगाया और इल्तिजाई नज़रों से अपने शौहर को देखा। वो आंखें बंद करके शदीद गुस्से को अपने अंदर ही उतार रहे थे। ठीक है, मैं नायाब से बात करती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि वो मान जाए। सुरैया उन्हें कंधों से थाम के यकीन से बोली तो वह नम आँखों से मुस्कुराई। जल्दी से अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए। तो ठीक है, तुम अभी जाके बात करो, बल्कि मैं भी साथ आती हूँ, तेज़ी से बोलती वो उनका हाथ पकड़े खड़ी हो चुकी थी। मगर आपा, इस वक्त मेरा मतलब है ये शादी हो लेने देते हैं, फिर मैं आराम से बात करूँगी नायाब से। सुरैया जो नायाब के रद्दअमल का सोच के डर रही थी, इस नई अफ्ताद पर तो घबरा ही गई थी। अरे मैं कौन सा अभी शादी करने का बोल रही हूँ, तुम सिर्फ नायाब से बात करना, क्या पता शादी में और किसने नज़र रखी हो मेरी बेटी पे। बस सबके कानों तक ये बात पहुँच जाए कि नायाब मेरी अमानत है तो सुकून आ जाएगा।
वो उन्हें बाजू से पकड़ के खुशी से बोली थी। सुरैया ने एक नज़र सर झुका के बैठे अपने शौहर को देखा और एक गहरा सांस लिया। ठीक है, आज ही बात कर लेते हैं, मगर उसका रिएक्शन काफ़ी सख्त हो सकता है। सुरैया हाथ उठा के आखिरी बार खबरदार करना लाजमी समझा। अरे नहीं, कुछ कहती, वो इतनी नरम दिल की तो है। शुमाइल भुप्पो ने मुस्कुरा के उनकी बात डाली तो सुरैया ने सर अस्पात में हिला के उनकी तायीद की और उनके साथ कमरे से बाहर निकली। फारूक साहब कुछ सोचने के बाद अब काफ़ी पुरसकून लगते थे। शायद वो अपनी बेटी को अच्छे से जानते थे। जब वो बोलती थी तो कोई कुछ नहीं बोल पाता था। वो जानते थे वो नायाब है जिसे लोगों को अपनी बातों से कायल करना आता है। उन्होंने मुस्कुरा के सर झटका और व्हील चेयर का रुख अपनी माँ के कमरे की जानिब मोड़ा। शुमाइल भुप्पो और सुरैया जब उन लड़कियों के कमरे में गईं तो वहाँ अलग हंगामा मचा था। फरवा और बिस्मा बेड पर बैठी थीं। उनके आगे ज्वेलरी का ढेर सा लगा था, इर्द गिर्द कपड़े ही कपड़े फैले थे और वह दोनों परेशान सी बैठी ये सोच रही थीं कि आज रात मेहंदी में कौन सी ज्वेलरी पहनी जाए। ब्रैकेट नयाब ने उन दोनों के झगड़े से उकता के लैपटॉप खोल लिया था। फरवा का ख्याल था कि कुछ अलग करना चाहिए, इसलिए हल्की ज्वेलरी हो, और बिस्मा का ख्याल था ज्वेलरी हैवी हो। दोनों एक घंटे की बहस के बाद इस नतीजे पर पहुंची थी कि ज्वेलरी ना तो हैवी हो ना ही हल्की, बल्कि फूलों की हो। मगर अब मसला था कि अभी फूल कौन ला कर देगा। अभी वो कुछ फैसला कर ही ना पाई थी कि वो दोनों आ गईं। फरवा और बिस्मा एकदम घबराई। जिसका डर था वो दिन तो नहीं आ गया था। उन दोनों को ज्वेलरी भूल गई थी। नयाब ने भी उन दोनों को साथ देख के लैपटॉप बंद करके साइड पर रखा। वो दोनों उसके दाएँ बाएँ आके बैठी तो नयाब ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। सुरैया ने मोहब्बत से उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। देखो नायाब, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे बारे में जो फैसला करूँगी वो तुम्हारी भलाई का ही होगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम उसे कबूल भी करोगी। नरमी से उसकी आंखों में यकीन से देख के कहा तो नायाब ने कोप से आंखें घुमाई। ब्रैकेट इतनी मोहब्बत अम्मी तभी दिखाती थी जब उन्हें कोई काम हो। तमहीद को कट करें अम्मी और असल बात बताएं, उसने जल कर कहा तो सुरैया ने नफ़ी में सर हिलाया। उस लड़की से वह कैसे कुछ बनवा सकती हैं। तो ठीक है, फिर बिला तमहीद के सुनो, आपके वह सपाट लहजे में कतियत से बोली। नयाब ने चौंक के उन्हें देखा। हमने तुम्हारा रिश्ता जरून से तय कर दिया है, सख्ती से गर्दन अकड़ाकर अपना फैसला सुनाया। वो फुदक के ऐसे खड़ी हुई जैसे सोफे पर से बिच्छू ने काट लिया हो। बिस्मा ने नायल को मैसेज करके फौरन ऊपर आने का कहा था। फरवा दम साधे उन तीनों को देख रही थी। किससे पूछ के आपने रिश्ता तय किया है, वो इतनी ऊँची आवाज़ में चीखी। शुमाइल भुप्पो हक तक रह गई। आवाज़ आहिस्ता रखो अपनी, मत भूलो कि तुम अपनी माँ से बात कर रही हो, सुरैया ने गुस्से से घूर के कहा तो वो मजीद भड़क गई। अम्मी प्लीज़, इस वक्त मैं आपको आपका कोई मॉरल लेक्चर सुनने के मूड पर नहीं हूँ, मैं इस रिश्ते से साफ इनकार करती हूँ, उसने सर झटक कर हतमी लहजे में कहा। मुझे तुम्हारी इनकार से कोई सरोकार नहीं, आखिर क्या खराबी है इस रिश्ते में। जारून गुड लुकिंग है, अपना कमाता है, और सबसे बड़ी बात तुम्हारा ससुराल तुम्हारी फुप्पो का घर होगा। अम्मी आपको पता है कि मैं आपकी इन बातों में नहीं आऊँगी, फिर चाहे आप हज़ार खूबियाँ भी इस रिश्ते से निकाल लें, निकाल के दिखा दें मुझे, मेरा जवाब इनकार ही होगा। वो उनकी आंखों में आंखें डाले बगैर किसी खौफ के एतमाद से बोली। क्यों, आखिर वजह क्या है तुम्हारे इनकार की, इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से मिलेगा तुम्हें। सुरैया ने उसे बाजू से पकड़ के अपनी जानी मोड़ के मजीद सख्ती से पूछा। नयाब ने गहरा सांस लेते अपना बाजू उनकी गिरफ्त से निकाला और उनके दोनों हाथ नरमी से थाम के उन्हें देखा। क्या आप नहीं जानती क्यों इनकार कर रही हूँ, कितने मान से उसने पूछा था। सुरैया ने बेइख्तियार नज़र चुराई थी। मैं नहीं जानती, तुम बताओ मुझे पता, उसके हाथों से अपने हाथ निकाले थे। नयाब ने बेबसी से अपने खाली रह गए हाथों को देखा। एक ज़ख्मी नज़र शुष्टर सी बैठी भुप्पो पे डाली जो सुरैया का अच्छे से ब्रेन वॉश करके लाई थी। बोलो अब चुप क्यों हो, सुरैया ने सीने पे बाजू बांधे अजनबी लहजे में उससे पूछा तो वह सर झटकती उनकी जानिब मुड़ी। वो एक नंबर का मगरूर और घमंडी है, किसी से बात करने का तरीका नहीं है उसे, और सबसे बड़ी वजह उसका पागलपन है, वो कब क्या कर जाए यू नेवर नो। आँखें सुकेड़ कर उनकी गहरी नज़रों से देखती बोल रही थी। भुप्पो लफ्ज़ पागल पर गुस्से से खड़ी हुई थी। वो पागल नहीं है नया, बस थोड़ा गुस्से का तेज़ है, उसे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उसे ठीक कर सके। बेताबी से बोलती नयाब के पास आई, उसे कंधों से पकड़ के अपनी जानिब मोड़ा। और मुझे पूरा यकीन है तुम उसे ठीक कर लोगी, उम्मीद से उसकी आंखों में देख कर कहा तो वो हल्के से मुस्कुराई। आपको इतना यकीन क्यों है कि मैं उसे ठीक कर लूँगी, अगर मैं ठीक ना कर सकी तो, सवालिया अबरू उठा के उन्हें देखा। वो उसके शाने छोड़कर उसका हाथ पकड़ चुकी थी। तुम कर लोगी ठीक, मुझे पता है,
लहजे में मोहब्बत मज़ीद बढ़ी। नयाब ने अपना हाथ उनके हाथ से नहीं छुड़ाया, वैसे ही खड़ी रही। और अगर जस्ट इमेजिन मैं उसे ठीक ना कर सकी तो आप क्या करेंगे पुप्पो? वो इतनी सख्ती से बोली कि शुमाइल ने चौंक के उसे देखा। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तब नयाब ने अपना हाथ उनके हाथ से निकाला। क्यों, कोई जवाब नहीं है? तंजिया मुस्कुराती, सीने पे बाजू बांधे। मगर मेरे पास जवाब है, सुनना पसंद करेंगी? झुक के उनकी आंखों में देखा, वो सटपटा गई। हाँ तुम ही बता दो। दिल में अपने बेटे की अकल पे मातम करती वो बमुश्किल बोली, ब्रैकेट, जारून को भी यही मिली थी मोहब्बत करने के लिए। उनका जवाब सुनकर वो सर झटकती वापस पीछे हटी। तो सुने फिर, अगर शादी के बाद मैं आपके बेटे को ठीक न कर पाई तो जो आज आप इतनी मोहब्बत दिखा रही हैं सब बदल जाएगा। आपकी ज़बान पर ताने होंगे, दिन रात मुझे कोसेंगी, हर एक के आगे कहेंगी कि मेरे बेटे को ख़राब करके रख दिया, किसी काम की ना निकली, मेरे भाई की बेटी। मुझ में हज़ार कीड़े निकाल लेने के बाद आप फिर से कोई लड़की ढूंढेंगी, फिर से अपने बेटे की शादी करवाएंगी, क्योंकि बेसिकली आपको बहू नहीं चाहिए, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर चाहिए जो आपके बेटे को ठीक कर सके। वो उन्हें देखती नागवारी से बोल रही थी, नायाब क्या बकवास कर रही हो तुम, ये हद होगी है बदतमीज़ी की। सुरैया की यहाँ बस हुई थी, उन्होंने कभी भी अपने से बड़ों से बदतमीज़ी की इजाज़त नहीं दी थी, मगर ये नायाब, उफ़। इतनी उम्मीद लिए तुम्हारे पास आई हैं तो तुम्हारा फ़र्ज बनता है तुम इनकी मदद करो। ये तुम भी जानती हो कि तुम इनकी मदद कर सकती हो, झिड़क कर उसे कहा। मैं इनकी मदद ज़रूर करती, मगर जब ये मदद मांगने आई होती तो ये तो मुझे हमेशा के लिए अपने बेटे का ग़ुलाम बना के उसकी बीमारी का इलाज करवाना चाहती हैं। नायाब मज़ीद भड़क कर बोली तो सुरैया का हाथ उठते उठते रह गया। इस कदर बदतमीज़ी की उन्हें उम्मीद नहीं थी, बमुश्किल उन्होंने खुद को रोका था। चलो मान लिया कि वो यही चाहती हैं तो इसमें बुराई क्या है? अगर तुम किसी इंसान से शादी करके उसकी ज़िंदगी संवार सकती हो, इससे बड़ी नेकी क्या होगी? शदीद गुस्से को जब्त करती वो उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। उनकी ये बात सुन के नायाब की आंखों में छन से कुछ टूटा था। बेयकीनी से अपनी माँ को देखा, वाह अम्मी, मुझे यही उम्मीद थी आपसे। दोनों हाथ उठा के जैसे उन्हें दाद दी, आप पाकिस्तानी माएँ यही तो करती हैं, अपनी बिगड़ी हुई औलाद को ठीक करने की सारी जिम्मेदारी उसकी बीवी के सर पे थोप कर खुद को बड़ी उज़िमा कर लेती हैं। आखिर आप सबको कब समझ में आएगा कि किसी की जान से प्यारी बेटी आपके बिगड़े हुए नवाबजादे के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं होती? जो बेटा आपसे 25-30 साल की उम्र तक ना सुधरा, वो कल की आई अनजान लड़की कैसे सुधार लेगी? मलामत भरी नज़रों से उन दोनों को देखती ऊंचा बोल रही थी, लहजे में चुभन थी। सुरैया लाजवाब होकर रह गई थी। मगर वो तुमसे मोहब्बत करता है नायाब, तुम्हारे लिए पागल है वो, शुमाइल पुप्पो ने उसके चुप होने के बाद कमज़ोर सी दलील पेश की थी। वो काट खाने वाले अंदाज पे उनकी जानिब मुड़ी, कौन सा प्यार, कैसा प्यार? वही जो आपके बेटे का हर महीने बदलता है, साल के हर महीने तो आपके बेटे को हर लड़की से शदीद इश्क हो जाता है। वो तलखी से मुस्कुरा के उन्हें देखती हुई बोली थी। वो बिल्कुल चुप होकर रह गई। बिस्मा और फरवा साकिन सी सब सुन रही थी। नायल जो अभी अभी वहाँ आया था उसकी आखिरी बात सुन के उसे भी हैरत हुई थी, मगर वो किसी की भी परवाह किए बगैर आज सच बोल रही थी जो बेइंतहा कड़वा था। ये आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि उसे मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, मैं बस एक चैलेंज हूँ उसके लिए, पता है क्यों? सख्त नज़रों से फूफों को घूरा, क्योंकि मैं हर लड़की की तरह उसके आगे बिच नहीं गई, वो मुझे बस तस्खीर करना चाहता है। मगर आप एक बात, मेरी बात गौर से सुन लें फूफो, उंगली उठा के उन्हें वार्न किया और उनके थोड़ा नज़दीक गई। वो वैसे ही फटी आंखों से उसे देख रही थी। दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ तस्खीर करना आसान है, मगर किसी इंसान को तस्खीर करना नामुमकिन है। इंसानों के दिल जीते जाते हैं और दिल सिर्फ मोहब्बत से जीते जाते हैं, जो आई एम सॉरी टू से आपके बेटे को नहीं आता। कतियत से अपनी बात ख़त्म की और बिना किसी पर नज़र डाले तेज़ी से कमरे से निकल गई। ठा से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो लोग चौंके थे। सबसे पहले नायल को होश आया था, वो भी उसके पीछे निकला। सुरैया सर पकड़ के सोफे पे धप से गिरी थी। शुमाइल फुप्पो बमुश्किल खुद को घसीटती वहाँ से बाहर आई थी। फारूक तुम्हें क्या लगता है नायाब क्या जवाब देगी शुमाइल को? दादो बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। उनके साथ अपनी व्हील चेयर पर बैठे फारूक साहब ने जब उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने परेशानी से उनसे इस्तफसार किया। अरे अम्मा, जानती तो हैं आप नायाब को, वो बोलती है कहाँ कोई बोल पाता है, आती होगी 10 मिनट में तन फन करती यहीं, फिर पूछ लीजिएगा उसका जवाब। फारूक साहब ने शरारत से बोलकर अम्मा को देखा तो उन्होंने ताई में सर धुना। हाँ ये बात तो है,
गज भर लंबी जबान है अपनी नायाब की, कभी कभी तो मुझे शदीद गुस्सा आता है मगर उसके सामने बोल के कौन खुद को फंसाए। अम्मा ने झुरझुरी लेके सर झटका तो फारूक साहब की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। क्या करे अम्मा, वो बोलती जो हमेशा सच है और सच तो ऐसे ही लाजवाब कर दिया करता है। उन्होंने लापरवाही से बोलकर शाने उचकाए थे। हाँ मियाँ, तुम तो उसी की तरफदारी करोगे, बिगाड़ के भी तुमने रखा है। अरे मैं पूछती हूँ, इतना भी क्या सच बोलना अब के दूसरा बंद इतना भी क्या सच बोलना अब के दूसरा बंदा शर्मिंदा ही हो जाए। अम्मा ने नाक भवें चढ़ा के कहा तो फारूक साहब ने नफी में सर हिला के अम्मा को देखा। अम्मा, सच सुन के शर्मिंदा वही होता है जो झूठा हो। फारूक साहब भी फुल बहस के मूड में आ चुके थे। अरे मियाँ, रहने दो तुम्हारे फलसफे, ये दुनिया तुम दोनों बाप बेटी के असूलों पे नहीं चलती। यहाँ जो अच्छा झूठ बोलता है वही देर पर टिकता है। उन्होंने हाथ झुला के नागवारी से सर झटका। और झूठे इंसान पे अल्लाह की जो लानत होती है उसका क्या, फारूक साहब झट से बोले तो अम्मा ने चौंक के उन्हें देखा। क्या दुनिया की खातिर अल्लाह की लानत खुद पर लगवा लेनी चाहिए अम्मा, नाकाबिले फहम नज़रों से उन्हें देखते पूछ रहे थे। ब्रैकेट अम्मा ने गहरा सांस लिया था, इन बाप बेटी से बहस करना नामुमकिन काम था। हाय हाय, भला मैंने कभी कहा कि झूठ बोलना शुरू कर दो, मैं तो इतना कह रही हूँ कि हर जगह सच बोलना अकलमंदी नहीं होती, बाज़ दफ़ा चुप रहने में भी भलाई होती है। अम्मा ने कब हार माननी सीखी थी, आखिर उनकी अम्मा थी। अम्मा, सच बोलने में कभी नुकसान नहीं होता, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। हाँ, हो सकता है शुरुआत में आपको परेशानी उठानी पड़े मगर बाद में जीत हमेशा सच की होती है। फारूक साहब गर्दन अकड़ाकर मजबूती से बोले तो अम्मा ने बेबसी से आसमान की जानिब देखा। अल्लाह तुम दोनों को हदायत दे भाई, मेरे बस का तो नहीं तुम बाप बेटी से किसी मामले में बहस करना। अपना बुड़बुड़ाती हुई अपनी तस्वीर पे कुछ पढ़ने लगी तो कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई जो दरवाजे की उस धड़ाम सी आवाज़ से टूटी थी जिसको नायाब गुस्से से खोलती अंदर आई। दादो इस जलजिले पे घबरा के उठ बैठी और हैरत से गुस्से में भुनाती नायाब को देखा जो अब अपने अब्बू की गोद में सर रख के फर्श पे बैठ गई थी। हाय, देख इस लड़की को, फारूक कैसे दरवाज़ा तोड़ के अंदर आई है, दिल हौल गया मेरा। दादो ने दिल पे हाथ रखे सदमे से दुहाई दी मगर फारूक साहब नायाब की तरफ मतवज्जा थे जो उनकी गोद में सर रखे हिचकियों से रो रही थी। क्या हुआ नायाब, क्यों रो रही हो, परेशानी से उनके माथे पे बल पड़े थे। नायाब मेरी जान, उठो बताओ क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है तुमसे, मुझे बताओ। फारूक साहब तो गंग रह के थे उसके रोने पे, ब्रैकेट कब रोती थी वो, शायद कभी नहीं। उसकी सिसकियाँ सुन के दादो का भी दिल हौल गया था। फारूक, देख क्या हो गया है मेरी बच्ची को, क्यों रो रही है ऐसे, गुस्सा बुलाए वो बेचैनी से आगे होके बोली तो फारूक साहब ने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठाया। आंसुओं से भरा चेहरा, सुर्ख आँखें, कब देखी थी उन्होंने अपनी बहादुर बेटी की ये हालत, उनका दिल कटके रह गया था। उन्होंने झुककर उसकी पेशानी चूमी, उसके आंसू साफ किए। क्या हो गया नायाब, तुम इतनी बहादुर हो कि बच्चों की तरह रो रही हो, अगर रिश्ते की वजह से कर रही हो तो बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा बाप अभी माजूर हुआ है, मरा नहीं है, जो तुम चाहोगी वही होगा। उन्होंने बच्चों की पुचकार, बच्चों की तरह पुचकार कर उसे यकीन दिलाया तो उसके आंसू थमे थे मगर अम्मी, वो आंसू पूछती होंठ लटका कर बच्चों की तरह बोली तो फारूक साहब ने उसकी नाक दबाई। कुछ नहीं कहेगी तुम्हारी माँ, तुम तो मेरी बेटी हो और मेरी बेटी जो चाहेगी वो होगा, अब खुश। वो उसके गाल पकड़ के खींच रहे थे। खुश, वो खुशी से बोलती दोबारा उनकी गोद में सर रख के बैठ गई। वो उसके सर में उंगलियां चलाने लगे थे और नायल जो परेशान सा उसके पीछे ही आया था अब दरवाजे के फ्रेम से टेक लगा के खड़ा मुस्कुरा के बाप बेटी के नखरे देख रहा था। नायाब का ये रूप उसने पहली बार देखा था, कहाँ वो सबके सामने शेरनी बनी होती थी और कहाँ ये बच्ची। उसने एक नज़र अपनी नानों को देखा जो उन दोनों बाप बेटी के नाटक कभी ख़त्म नहीं होंगे वाली नज़र उन दोनों पर डालती मुँह बना के दोबारा लेट गई थी। नायल आहिस्ता से वहाँ से निकल आया था। सुरैया आंटी, आप ठीक हैं, सबके जाने के बाद हरवा परेशान हाल बैठी सुरैया के पास आ बैठी और नरमी से उनके कंधे पे हाथ रखा। वो चौंक के सीधी हूँ कुछ देर फरवा की आंखों में देखती रहीं यहाँ तक कि वह एकदम ज़ोर से हंसी। फरवा फुतक के खड़ी हुई, मुझे लगता है आंटी पागल हो गई हैं। फरवा ने बिस्मा के कान में झुक के सरगोशी की तो वो उसे कोहनी मारती हंसती हुई सुरैया की जानी मुड़ी। क्या हुआ आंटी, आप हंस क्यों रही हैं, उसने डरते हुए परेशानी से पूछा तो सुरैया की हंसी मजीद बुलंद हुई। वो दोनों गश खा के गिरने को थी। कुछ पल बाद जब उनकी हंसी थमी तो उन्होंने सर झटक के परेशान हाल खड़ी लड़कियों को देखा। तुम दोनों को लग रहा है मैं पागल हो गई हूँ राइट, मुस्कुरा के शरारत से पूछा तो दोनों ने नाकाबिले फहम नज़रों से एक दूसरे को देख के अस्पात में सर हिलाया। सुरैया ने बमुश्किल अपनी हंसी को ब्रेक लगाई। अरे मैं ऐसे ही बिला वजह नहीं हंस रही, मेरे पास वजह है, तुम दोनों को बताऊं। जी बताएं, फरवा थूक निकल के हल्का सा मिनमिनाई।
मैंने इस्माइल आपा को नीचे वार्न किया था ना, मैंने इस्माइल आपा को नीचे वार्न किया था कि नायाब कुछ भी बोल सकती हैं, इसीलिए अभी बात मत करें, मगर उन्होंने नहीं सुनी मेरी। अब देखो क्या नायाब ने झाड़ा है उन्हें। वाह मज़ा आ गया, वो मज़े से हाथ लहरा के फ़ख्र से बोली। तो बिस्मा और फरवा बेहोश होते होते बची। आंटी आप क्या कह रही हैं, नायाब ने उनकी इंसल्ट की है और आप हैं कि खुश हो रही हैं। बिस्मा आखिर जल के बोल पड़ी, तुम दोनों एक नंबर की बेवकूफ़ हो। उन्होंने अफसोस भरी नज़रों से उन दोनों को देख कर नागवारी से कहा तो दोनों का मुँह ही बन गया। ब्रैकेट अच्छी भली समझदार तो थी वो दोनों। देखो मैं तुम दोनों को समझाती हूँ, वो संजीदा होकर बोली तो वह दोनों भी उनकी जानिब आईं। फरवा बेड की पाइंती पे बैठी तो बिस्मा उनके साथ सोफे पे बैठी। सिंपल सी बात है, इस्माइल आपा ने पहले मुझसे और नायाब के बाबा से रिश्ता मांगा, हमने इनकार करना चाहा तो उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब मैं कुछ कहती तो बुरी बनती, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि नायाब का जो फैसला होगा वही मेरा होगा, और मुझे मेरी बेटी की सलाहियतों पर पूरा भरोसा था। मुझे पता था वो इस्माइल के हर जुमले का जवाब पूरी तरह से देगी और इस्माइल कुछ भी नहीं कर पाएगी, और देखो वही हुआ कि नहीं। उन्होंने इतरा के अपनी बात मुकम्मल की और उन दोनों लड़कियों को दांत तलब नज़रों से देखा जिनको सारी बात समझने में चंद सेकंड लगे थे। आंटी यू आर ग्रेट, फरवा और बिस्मा जज्बाती होकर उनके गले से चिमट गईं तो उन्होंने मुस्कुरा के उन दोनों के गिट बाजू हाइल किए। अब वो मुतमईन थी, मगर किसको पता था ये खुशियाँ महज चंद पल की थी। शाम को अलग ही जंजाल पूरा बना था घर में, सब तैयार होके शादी हॉल भाग रहे थे, मुनासिब गाड़ियों का सारा सामान रख रहे थे, कुछ लोग जा चुके थे, कुछ अभी घर पे ही थे। मेहंदी का फंक्शन चूँकि कंबाइन था इसलिए लड़की वाले भी उसी हॉल में आने वाले थे। उनके इस्तकबाल की तैयारी नायाब, फरवा और बिस्मा पर थी, इसलिए वो जल्दी से तैयार होने गई थी। बिस्मा और फरवा ने फ़िलहाल कोई ज्वेलरी नहीं पहनी थी, रास्ते में गाड़ी रुकवा के ज्वेलरी ले लेंगी ये सोच कर दोनों मुतमईन थी। बिस्मा ने फरोसी रंग का जबकि फरवा ने नारंगी रंग का कामदार लहंगा ज़ेब-ए-तन किया था। दोनों ने बालों की खजूरी चुटिया बना के दाईं तरफ से आगे को डाल दी, हल्के मेकअप में वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। तुम दोनों ज़रा जल्दी से तशरीफ़ लाओ, ऐसे मटक मटक कर चलोगी तो रात हो जाएगी। नाइल ने आराम आराम से जीने उतरती उन दोनों को गुस्से से डांटा तो वह तन फन करती उसके सर को आई, शक्ल अच्छी ना हो तो बंदा बात तो अच्छी कर लेता है। फरवा दोनों हाथ कमर पर रखे तीखी नज़रों से नायल को घूर रही थी जो क्रीम रंग के कुर्ता शलवार में काफ़ी डैशिंग लग रहा था। एग्जैक्टली यही बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, चुड़ैल की शक्ल तो तुम्हारी ज़रा भी अच्छी नहीं है, इसीलिए थोड़ा बहुत काम कर लो, शायद किसी घरेलू मिजाज रखने वाली आंटी को तुम पसंद आ ही जाओ, वो भी तप कर बोला। तो फरवा ने गुस्से से आस्तीन पीछे की, तुम खुद क्या हो बंदर कहेंगे, शुक्र करो लड़की दे दी किसी ने वरना कमारे मर जाते। वो दूबदू बोली, मुझे तो चलो फिर किसी ने दे दी तुम्हारा क्या होगा, तुमसे तो किसी ने नहीं करनी शादी, नाहिल तंजिया अंदाज में बोलते शाने उचकाता बोला। तो फरवा का बीपी ही शूट कर गया, क्या हो रहा है यहाँ। इससे पहले कि वो दोनों यहीं लड़ मरते नायाब की आवाज़ पर चौंक के पीछे मुड़े, वो जीने उतरती नीचे उतर रही थी हल्के सब्ज़ रंग के कामदार लहंगे को ऊपर उठा रखा था, दुपट्टा आज भी सर पे था, बालों की फ्रेंच नॉट बनी थी, कानों में छोटे छोटे पर्ल पहने थे, बिल्कुल हल्के से मेकअप में वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। नायल फरवा को भूल चुका था, आंखें फाड़े उसे देख रहा था जो अब जीने उतर कर उनके पास आ रही थी। कोई इस कदर भी खूबसूरत कैसे हो सकता है, उसके चेहरे पर अलग ही नूर था। क्या हुआ तुम बुद्ध बने क्यों खड़े हो, नायाब ने उसके सामने बिल्कुल सामने आकर उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया तो वो चौंक के सीधा हुआ। ब्यूटीफुल हल्की सी सरगोशी उसके लबों से निकली तो नायाब ने अपनी सब्ज़ आंखों से उसे देखा। उफ़ कयामत थी आज वो सब्ज़ आंखें, उनमें लगा वो काला काजल, वो फिर से खो गया था। बिस्मा और फरवा मुस्कुराहट दबाती उसे देख रही थी। नायाब ने कोप्त से आँखें घुमाई, उसे तो न जाने कौन सा दौरा पड़ा है। तुम दोनों तो चलो गाड़ी में सामान रखो सारा, मैं इसको ले के आती हूँ। उसके नए हुक्म पर वह दोनों शाने उचकाती बाहर की जानी बढ़ी। नाइल तुम ठीक हो, उन दोनों के जाते उसने तशवीश से उसे झंझोड़ के पूछा तो वो बेख्तियार मुस्कुराया, उंगली की नोक से उसकी सब्ज़ आँखों के किनारे से काजल चुराया, उसकी आँखें बेख्तियार बंद हुई थी। नाइल ने झुक के काजल उसकी थोड़ी के नीचे लगाया तो वो चौंक के सीधी हुई और सवालिया नज़रों से उसे देखा। बहुत अच्छी लग रही हो, किसी की बुरी नज़र न लगे इसलिए काला टीका लगाया है।
नाइल ने मुस्कुरा कर कहा तो नयाब ने मुस्कुरा कर नफ़े में सही रहा। तुम में भी कभी कभी मेरी अम्मी की रूह आ जाती है, अब चलो देर हो रही है। मस्नूई गुस्से से उसे घूरती वो आगे बढ़ी तो पिलर के पीछे छुपी मज़े से सारा सीन देखती लड़कियाँ फ़ौरन बाहर भागी। शुक्र है नयाब ने उन्हें नहीं देखा था, मगर नयाब ने तो अपने कमरे की खिड़की से ये मंजर जलते दिल के साथ देखते जारून को भी नहीं देखा था। नाइल गुनगुनाता उसके पीछे गया था, वो भी अब मुतमईन था, मगर उसे क्या पता था कि बुरी नज़र का काला टीका लगाने से नहीं टला करती। वो तीनों शादी हॉल के मेन दरवाजे पर खड़ी मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थी। लड़की वाले भी पहुंच चुके थे, सब्ज़ और पीले रंग के लहंगे में, हैवी ज्वेलरी और मेकअप में शहरीन हमेशा की तरह लाजवाब लग रही थी। जहां फरवा का मुँह उसे देख के बना था, वहीं सबकी सताइश भरी नज़रें उस मगरूर शहजादी की जानिब उठी थी। नयाब ने आगे बढ़कर उसकी बलाई ली थी और खुद उसे स्टेज तक छोड़ने गई थी। नाइल को अभी नहीं लाया गया था। नयाब ने उसे खूबसूरत सोफे पर आराम से बिठा के घूंघट उड़ाया था और आयतल कुर्सी पढ़ के उस पर फूकी थी। व्हाट द हेल इज़ दिस घूंघट, दुपट्टे के अंदर से शहरीन की झुंझुलाई हुई आवाज़ सुनाई दी तो नयाब उसके करीब झुकी। शहरीन, बस थोड़ी देर के लिए ही रख लो, रस्म है। नयाब ने रिक्वेस्ट की तो उसने गहरा सांस लिया। थोड़ी देर के लिए ही, सर झटक के वो दुपट्टे को चेहरे के आगे करके बैठ गई। थोड़ी सी मस्ती शहरीन के साथ कर लेने के बाद वो सब लड़कियां नाइल को लेने अंदर गई थी। नयाब सिर्फ शहरीन के पास रुकी थी। मुझे प्यास लगी है, पानी लाकर दो मुझे। थोड़ी देर में शहरीन का नया हुक्म जारी हुआ तो वो गहरा सांस लेती उसके लिए पानी लेने अंदर की जानिब गई थी। तुम्हारी वजह से वो मुझसे दूर हो गई है, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा नाइल। वाटर डिस्पेंसर से पानी निकाल कर वो जैसे ही मुड़ी थी, उसकी समाज से जारून की गरजदार आवाज़ टकराई थी। उसका दिल एकदम ज़ोर से धड़का, पानी का ग्लास थामे वो आवाज़ की सिम बढ़ी। देखो जारून, मेरी बात सुनो, पिस्तौल नीचे करो, हम बैठ के बात करते हैं, नाइल की आवाज़ आई थी। वो उसे पिस्तौल, उससे आगे उससे सोचा नहीं गया। पानी का ग्लास उसके हाथ से छूटा था, वो भागती हुई उस सिमत आई। उस साइड पे बने कमरे में वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। नाइल अपनी डिफेंस में हाथ उठाए उससे कुछ कह रहा था। दरवाजे की जानिब उसकी पुश थी, इसलिए वो नयाब को अंदर आते नहीं देख सका था, मगर जारून जो सुर्ख चेहरा लिए उस पर बंदूक ताने खड़ा था, नयाब को बदहवासी में अंदर आते देख चुका था। उसकी आंखों के सामने कुछ देर वाला लम्हा लहराया था, ट्रिगर पर उसकी गिरफ्त मजबूत हुई। आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू नाहिल, शिद्दत से कहते उसने गोली चलाई थी। एक धमाके की आवाज़ चारों सिमत गूंजी। नाइल ने बेयकीन नज़रों से सामने आ चुकी नयाब को देखा, गोली उसे ही लगी थी। वो पूरे कद के साथ फर्श पर गिरी थी। सारी कायनात बस एक पल के लिए थमी थी। बस चल रही थी तो फर्श पर गिरी उस लड़की की कुछ टूटती सांसें। नाइल ने फटी आंखों से उसे देखता घुटनों के बल गिरा था। जरून के हाथ से पिस्टल गिर चुका था, वो भाग के उस तक आया था। नाइल के दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। जारून बेहोश हो चुकी नयाब को थपथपा कर जगाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी ही देर में वहाँ सब आ चुके थे। उसके इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा था, उसे सब सुनाई दे रहा था, मगर वो कुछ समझ नहीं सकता था। सुरैया ममानी रो रही थी, नानों की फरियाद अलग थी। फरवा बेयकीनी से उसे झंझोड़ रही थी। उसे कुछ याद नहीं था, बस इतना पता था कि नयाब को गोली लगी थी। जाने किसने एम्बुलेंस को कॉल की थी, जाने कब वो सब वहाँ से अस्पताल आए थे। उसने बस खुद को आईसीयू के बाहर बैठा पाया था। सब चल रहा था, सिर्फ वही साकित था, बिल्कुल साकित। अस्पताल के उस कॉरिडोर में लोगों का रश सा लगा था। अस्पताल वाले इतने लोगों को साथ देख के झुंझला गए थे। नर्सें बेचारी बोल बोल के थक गई थी, मगर वो लोग कुछ सुनने को तैयार ही ना थे। एक तो इन अमीरों के चौंचले पहले खुद शादियों में फायरिंग करवाते हैं और फिर जब किसी को गोली लगती है तो सब भूल भाल के अस्पताल टूट पड़ते हैं। मैनर्स तो हैं ही नहीं इन लोगों में। एक नर्स जो कब से उनको हटाने की कोशिश कर रही थी, बिलाखिर उकता गई और भड़क के अपनी साथी नर्स से चिल्लाई, तुम डॉक्टर साहब को फौरन बुलाओ, ये लोग ऐसे नहीं सुनेंगे। दूसरी नर्स के कहते ही पहली ने डॉक्टर की तरफ दौड़ लगाई और कुछ देर में वो एक बड़े डॉक्टर के साथ नमूदार हुई। देखें, आप लोग वेटिंग एरिया में वेट करें, यहाँ रश मत करें, दीगर मरीज डिस्टर्ब होंगे, डॉक्टर ने ऊंची आवाज़ में कहा तो वो सब रोना भूलकर उसकी तरफ लपके। हम सब चले जाएंगे, पहले इतना बता दें वो ठीक हो जाएगी।
सुरैया ढेरों उम्मीदें लिए डॉक्टर के सामने खड़ी थी। खून तो काफ़ी ज़ाया हो गया है, आप सब दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। डॉक्टर तेज़ी से बोलता अंदर चला गया तो नर्सों ने उन सब को भी वेटिंग रूम की तरफ धकेला। सब जा रहे थे मगर वो जो भूत बना बैठा था एक इंच भी ना हिला था, वैसे ही बैठा रहा। अरे इन्हें भी ले जाएं साथ, नर्स ने झुंझुला के उसके साथ खड़ी लड़की को कहा तो उसने बेदर्दी से आंसू साफ किए। प्लीज़ इन्हें यहाँ रुकने दें। एक मिन्नत भरी नज़र नर्स पे डाल के फरवा ने बाकी सब को जाने का इशारा किया तो वो सब बाहर आए। सिर्फ वही दोनों वहाँ थे। नर्स एक खून वाली नज़र उन पर डालती वहाँ से चली गई तो फरवा उसके साथ ही बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस और मीडिया के नुमाइंदे भी पहुँच चुके थे जो अब समार साहब से वाकये की पूछगछ कर रहे थे। इस सारी सिचुएशन में किसी को इस बात का होश नहीं था कि नायाब को गोली लगी कैसे। सबके लबों पर एक ही इल्तिजा थी कि वो ठीक हो जाए। वो सब रो रहे थे, उसके लिए दुआएं कर रहे थे। कितनी तड़प थी उन सबकी आंखों में, कितनी मोहब्बत थी उस लड़की के लिए जो सारे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा रूड मशहूर थी। शहरीन अपने कामदार लिबास में अपनी तमाम तर खूबसूरती को लिए वहाँ मौजूद थी मगर किसी ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा था। सारे मीडिया के नुमाइंदे चीख चीख के आवाम से दुआ की अपील कर रहे थे। सामने लगी LED पर ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टी पर मशहूर डिज़ाइनर नायाब फारूक को गोली लगने की खबर चल रही थी। सब उसके लिए दुआ गो थे। शहरीन निढाल सी एक बेंच पर गिरी थी। कौन थी वो? शहरीन बहाज, इंतहा की खूबसूरत बोल्ड मॉडर्न लड़की। जहाँ से गुजरती थी मर्दों के साथ लड़कियाँ भी एक बार उसे पलट कर लाश भी देखती थी। वो मलका हुस्न थी। उसे फरामोश करना आसान नहीं था मगर आज क्या हुआ था, किसी ने एक नज़र तक नहीं डाली थी उस पर। इतने मरते वहाँ, इतने मीडिया के नुमाइंदे थे, सब उस लड़की के लिए परेशान थे, सब उसकी जानिब लपक रहे थे जो वहाँ थी ही नहीं, अंदर अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी। कौन थी वो लड़की? ओल्ड फैशन कपड़े डिज़ाइन करने वाली एक डिज़ाइनर, या एक बेकरी की ऑनर, या फिर इंतहाई रूड, बोरिंग और सड़ी हुई जो बकौल शहरीन के इस काबिल ही नहीं थी कि उसे एक बार पलट के दोबारा देखा जाए। तो फिर ये कौन लोग थे जो उसे एक बार देखने के लिए मरे जा रहे थे? क्या ये सिर्फ उसकी शोहरत थी? नहीं, उसने ज़ोर से नफ़ी में सही लाया, ये सिर्फ शोहरत नहीं हो सकती। आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे, काजल की काली लकीरें पूरे मेकअप को ख़राब कर रही थी। पता नहीं उसकी माँ कहाँ थी। उसने एक नज़र सारे मजमे पर डाली, ना ही उसे परेशान सी ज़मीना के साथ खड़ी नज़र आई। उसे पता था उनकी परेशानी भी एक ढोंग थी, सिर्फ परेशानी नहीं, लबों पे हाथ रख के सिसकियों को रोका था। उसकी तो सारी ज़िंदगी ही ढोंग थी। बमुश्किल खुद को घसीटते वो वॉशरूम आई थी। दोनों हाथों से सिंक के किनारे थाम कर उसने आईने में देखा। मेकअप ख़राब हो चुका था, बाल बिखर चुके थे, उसका चेहरा अजीब वाहियात सा दिख रहा था। उसने बेख्तियार सिंक को छोड़कर अपने चेहरे को छुआ था। क्या यह है मेरा असली चेहरा? इतना करख्त? तुम जैसी औरत को क्या पता कि असल खूबसूरती चेहरे की नहीं किरदार की होती है। और अगर तुम अपने किरदार का मवासना करोगी ना शहरीन, तो तुम्हें खुद से नफ़रत हो जाएगी। नाइल के कहे वो नफ़रत अमेज़ जुमले उसके कानों में गूंजे। कितना ठीक कहा था उसने, उसे सच में खुद से नफ़रत हो रही थी। आगाही का डर आज उस पर वाह हुआ था, और आगाही हमेशा अजाब की तरह होती है। उसे आज ये आगाही मिली थी कि मशहूर या खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं होता, इज़्ज़त कमाना ज़रूरी होता है। जी जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं, उस तरफ तरक्की बहुत है मगर मुझे तरक्की से ज़्यादा इज़्ज़त चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने बहुत अता की है। नायाब का सुकून भरा लहजा उसके दिल को झंझोड़ के रख गया। कितना सुकून होता है उसकी आंखों में, कितना नूर होता है उसके चेहरे पे, कितनी इज़्ज़त है उसके पास, और मेरे पास क्या है? बेयकीनी से अपने अक्स को देखती बुड़बुड़ाई थी और अगले ही पल वो घुटनों के बल फर्श पर गिरी थी। यह हकीकत ही जानलेवा थी कि उसके पास कुछ नहीं था, ना सुकून, ना चेहरे पर नूर, ना इज्जत। वो आज तही दामा रह गई थी, बिल्कुल खाली। क्या वो ठीक हो जाएगी नाइल? फरवा ने उसके शाने पे हाथ रख के पूछा। उसमें ज़रा भी जुम्बिश ना हुई थी। नाइल प्लीज़ होश करो, फरवा ने उसे ज़ोर से झंझोड़ा। नाइल ने वैरान आँखें उठा के उसे देखा था तो वो डर कर फौरन खड़ी हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले वो कितना खुश था मगर अब सितारों की मानंद उसकी चमकती आंखों में वहशत थी, अजीब वहशत। नाइल होश करो, देखो नायाब को गोली लगी है, अंदर उसका ऑपरेशन चल रहा है, कुछ पता नहीं कि वो बचेगी। उठो उसके लिए दुआ करो, अगर उसे कुछ भी हुआ ना नाइल, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। फरवा नम आंखों से उसे देखते दोनों शानों से पकड़ कर झंझोड़ा तो वह होश में आया था।
नाय आपको गोली लगी है, मुझे उसके पास जाना है, बदहवाजी से कहता वो अंदर की जानिब लपका। फरवा ने बमुश्किल उसे रोका था। नाइल, उसका ऑपरेशन चल रहा है, तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं जाऊंगा, छोड़ो मुझे, उसने ज़ोर से फरवा को दूर झटका तो वो गिरते गिरते बची थी। इससे पहले वो अंदर जाता फरवा ने उसे झटके से खींच के रोका था। पागल हो गए हो, तुम अंदर नहीं जा सकते, आराम से बैठो यहाँ, धकेल के वापस बेंच पर बिठा दिया। शदीद बेबसी से वो फड़फड़ा रहा था। मैं क्या करूँ, कैसे ठीक होगी वो, सर हाथों में गिरा के वह शिद्दत से चिल्लाया था। दुआ करो नाइल, उसे हम सब की दुआओं की ज़रूरत है, उसके लिए दुआ करो बस। फरवा सर दोनों हाथों पे गिराए उसके साथ बैठ गई। दुआ, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया था, आवाज़ इतनी हल्की थी कि वह खुद भी बमुश्किल सुन पाया। दुआ कैसे मांगूँ मैं, कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी हुई ही नहीं कि दुआ मांगता, मुझे तो दुआ मांगनी ही नहीं आती। उसने हैरत से फटी आँखों समेत ऊपर की जानिब देखा। अल्लाह, कैसा इंसान हूँ मैं, मुझे दुआ मांगनी नहीं आती। उफ़, देर हो गई यार, ईशा की नमाज़ भी अदा करनी है। पास से गुजरती दो नर्सों की आवाज़ उसे साफ सुनाई दी थी। वो करंट खा के उनकी जानिब उड़ा। सफ़ेद कपड़ों में चलती वो दो कम उम्र लड़कियाँ अब कॉर्नर से ओझल हो गई थी, लेकिन उसके दिमाग में उनका वो जुमला अटक के रह गया था, नमाज अदा करनी है। वो फ़ौरन से उठा और तेज़ी से वहाँ से निकला। फरवा ने उसे बस सर उठा के जाते देखा था, रोकने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो बमुश्किल उठी और प्रेयर रूम की जानिब चलती थी, उसे अपनी दोस्त के लिए दुआ मांगनी थी। सिंक के करीब खड़ा वो शानदार सा लड़का बार बार अपने हाथों को रगड़ रगड़ के धो रहा था, मगर उनमें से खून की सुर्खी धुलती ही ना थी। उसे नफरत होने लगी थी अपने हाथों से, खून क्यों साफ नहीं होता, ये साबुन ही अच्छा नहीं है। उसने वहशीपन से साबुन की टिकिया दूर फेंकी और अपने हाथ दोबारा खुले पानी के नीचे छोड़ दिए। खून फिर भी साफ नहीं हो रहा था। दोनों हाथ उठा के चेहरे के सामने किए, उसके हाथ साफ थे, बिल्कुल साफ, मगर उसे खून आलूदा क्यों दिख रहे थे। वो पागल सा होने लगा था और फिर यकायक उसने अपने हाथ सिंक के ऊपर लगे शीशे पर दे मारे थे। शीशा टूट गया था, उसके हाथ जख्मी हो गए थे, अब उनमें से लहू टपक रहा था, मगर उसे दर्द नहीं हो रहा था। वो बेख्तियार ही घुटनों के बल सफ़ेद फर्श पर गिरा था। खून के कतरे अब उस सफ़ेद फर्श को भी सुर्ख कर रहे थे। ये क्या कर दिया मैंने, अपने हाथों से उस पर गोली चला दी, वो शिद्दत से तड़प कर चिल्लाया। शादी हॉल के उस बराने में उसकी आवाज़ गूंज रही थी कि क्या कर दिया मैंने, क्यों मैं पागल हो गया था, क्यों, ज़ोर से चिल्लाता वो पागल मालूम होता था। अगर वो मर गई तो मैं क्या करूँगा, वहशत से नफ़ी में सहलाता सिंक का किनारा थामते वो खड़ा हुआ था। टूटे आईने में उसका अक्स भी टूटा बिखरा सा था। अब क्यों तकलीफ़ हो रही है तुम्हें, यही तो चाहते थे तुम कि वह लड़की तुम्हारे सामने टूटे, उसका अक्स उसे नफ़रत से देखता बोल रहा था। वो डर कर एक कदम पीछे हटा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था, उसकी आवाज़ अब लड़खड़ा रही थी। तुम यही चाहते थे जारून, तुम बस उसकी अना तोड़ना चाहते थे, क्योंकि वह लड़की बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। जिस तरह हर लड़की तुम्हारी दीवानी हो जाती थी, वो नहीं हुई थी, वो अलग थी, उसमें खुददारी थी। तुम बस उसे बाकी लड़कियों की तरह अपने लिए तड़पते देखना चाहते थे, और देखो तुमने तो सच में उस बेचारी को तड़पा ही दिया, और इतना तड़पाया कि वो बिस्तरे मर्ग तक जा पहुंची। अक्स उस पर चिल्ला रहा था। उसके अपने अक्स की आंखों में उसके अपने लिए नफरत थी, बेइंतहा नफरत। ब्रैकेट, ये ज़मीर की अदालत थी और यहाँ सच के ऐसे ही कोड़े बरसाए जाते थे। मगर मैंने नाइल पर गोली चलाई थी, वो खुद बीच में आ गई, एक कमज़ोर सी दलील अपने दिफा में पेश की गई थी। यही तो पागलपन है तुम्हारा, किसी की जान लिए बिना ख़त्म कैसे हो सकता था। और चलो अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि गोली नाइल को ही लगती, तब, अक्स ने सवालिया अब्रू उचकाई, तब क्या खून ना बहता। नहीं जारून, खून तो तब भी बहना था, वो नफ़ी में गर्दन हिलाता बोल रहा था। तुम्हारे हसद ने, तुम्हारी अना ने, तुम्हारी खुद परस्ती ने एक जान दाव पे लगा दी जारून, शर्म करो, अब भी तुम अपने दिफा में बोल रहे हो। अक्स ने नफ़रत से उसे देखते उसका आखिरी जवाब भी रद्द कर दिया तो वो बिल्कुल ढहसा गया था। मैं माफ़ी मांग लूँगा, सरगोशी में बुड़बुड़ाया, माफ़ी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। अक्स ने एक तरह हम भरी नज़र उस पर डाली और गायब हो गया। अदालत ख़त्म हुई थी, वो मुजरिम करार पाया था। ब्रैकेट, और ज़मीर की अदालत की सज़ा सारी उम्र की शर्मिंदगी ही तो होती है, जो फांसी से भी ज़्यादा दर्दनाक होती है। मस्जिद की टूटी के नीचे पंजों के बल बैठा आस्तीन कोहनियों तक मोड़े वह वज़ू कर रहा था। शदीद बेकरारी उसके चेहरे से आया थी, जाने कितने अरसे बाद वह वज़ू कर रहा था, बार बार भूल जाता था, कभी पहले कुल्ली कर देता तो कभी मसा पहले कर देता।
मुझसे वजू क्यों नहीं हो रहा? बेबसी से उसने आसमान की जानिब देखा। आंसू उसके चेहरे को भिगोने लगे थे। मुझे वजू करना भूल गया है, मेरे अल्लाह मेरी मदद कर। वो पहली बार शिद्दत से रो रहा था। ये कैसी शर्मिंदगी थी, एक मुसलमान होते हुए भी वो वजू नहीं कर पा रहा था। उसका दिल किया कि ये ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। एक हाथ सिंक की टूटी पे रखे उसी बाजू पे सर झुकाए वो रो रहा था, बिल्कुल दीवानों की तरह। ये थी उसकी औकात। वो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी का ब्राइट स्टूडेंट वजू भी नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? नरम शफीक सी आवाज़ पर वो करण खा के पीछे मुड़ा था। वो कोई बुजुर्ग थे, सफ़ेद दाढ़ी, सर पे सफ़ेद टोपी और सफ़ेद लिबास पहने। वो उसे नरम सा मुस्कुरा के देख रहे थे। वो बेख्तियार खड़ा हुआ। मुझे वजू करना भूल गया, वो किसी ट्रांस की कैफियत में बोला। वजू करना क्यों चाहते हो? बुजुर्ग ने जांचती नज़रों से उसे देखा। मुझे नमाज़ पढ़नी है, वो सख्त शर्मिंदा से लगता था। और नमाज़ क्यों पढ़नी है? वो हनूज उसकी आंखों में देखते सवाल कर रहे थे। मुझे उसके लिए दुआ करनी है, वो मर रही है, मैं दुआ करूँगा तो वो ठीक हो जाएगी, वो जल्दी से बोला। तो उन बुज़ुर्ग के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। पिछली बार नमाज कब पढ़ी थी? शायद पिछली ईद पर। वो मज़ीद शर्मिंदगी से उसका चेहरा, उसका सर झुक गया था। उनकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। वाह, इतने अरसे बाद नमाज़ पढ़ने आए हो, तो भी किसी के लिए? दुआ करोगे वो भी किसी के लिए? वो कुछ नहीं बोला, बस असबात में सहलाया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। आओ मैं तरीका बता देता हूँ, वो कहते ही उसके साथ दूसरी टूटी खोल के बैठ गए। बस मुझे देखते रहो। एक नज़र उस पर डालकर उन्होंने वजू शुरू किया, तो नाइल ने भी उन्हें देखते वजू मुकम्मल किया। वजू मुकम्मल करते ही वो खड़े हुए और बिना उस पर नज़र डाले वो बाहर की जानिब चल दिए। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे? नाइल ने बेख्तियार ही उन्हें पुकार लिया। वो पलटे और नम आँखों से उसे देखा। मैंने नमाज़ पढ़ ली है बच्चे, तुम पढ़ लो। तो फिर से वजू क्यों किया? नाइल हद दर्जे हैरत से बोला। तो वह नम आँखों से मुस्कुराते उस तक आए, उसके शाने पे हाथ रख के हल्का सा दबाया। जिससे मदद मांगी थी अंदर जाके उसी से पूछ लो। हल्का सा उसका शाना थपथपाते वह कुछ लम्हों में वहाँ से जा चुके थे। वो शुष्टर सा खड़ा उन्हें देखता रहा था। जिससे मदद मांगी थी, चारों सिमत ये जुमला रक्स कर रहा था। वो घुटनों के बल मस्जिद के संगमरमर के फर्श पे गिरा था। उसने तो अल्लाह से मदद मांगी थी, तो क्या अल्लाह ने उसकी मदद की थी? आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ कर निकले थे। वो सजदे में गिरा था। उसे ना तो किबले का होश रहा था, ना जगह का होश था, तो इतना कि उसका अल्लाह उसे नहीं भूला। थोड़ी ही देर में वो मस्जिद के अंदर था। रोता हुआ आंसू साफ करता वो लड़का जाए नमाज पर खड़ा, ईशा के फ़राइज़ की नीयत बांध चुका था। वो पागल सा हो रहा था, नमाज का सबक भूल रहा था, मगर आज उसे नमाज पढ़नी थी। शायद ज़िंदगी की पहली नमाज थी जिसे वो इस शिद्दत से पढ़ रहा था। उसे ये नमाज मुकम्मल करनी थी, सिर्फ नायाब के लिए नहीं, अपने लिए भी। आज उसे अपना अल्लाह वापस मिला था और उसने ये राज जान लिया था कि जब अल्लाह मिल जाए तब सब मिल जाता है, सब कुछ। अस्पताल के वेटिंग एरिया में हजूम इस वक्त बिल्कुल थम सा गया था। ऑपरेशन को चलते 2 घंटे हुए होने को थे। वो सब आंखों में आंसू लिए नायाब के लिए दुआ गो थे। फारूक साहब की हालत नाकाबिले बयां थी, बेबसी से सर झुकाए वो अपनी खाली गोद को देख रहे थे। अभी चंद घंटे पहले तो वो उनकी गोद में सर रखे बच्चों की तरह रो रही थी, ज़िद कर रही थी। वो उसे पुचकार रहे थे। काश उन्हें पता होता कि उनकी फूल सी बेटी की ये हालत होने वाली है तो वो उसे कभी अपनी गोद से उठने ना देते। टिप टिप आंसू उनकी गोद में गिर रहे थे। वो ठीक हो जाएगी, सुरैया ने उनके शाने पे हाथ रख कर तसल्ली अमेज लहजे में कहा। तो उन्होंने अपनी भीगी आंखें उठा के उन्हें देखा। शिद्दत जब्त से उनकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी। वो ऐसी ही तो हैं सुरैया, जब भी परेशान होती है मेरी गोद में सरक के बैठ जाती है, मगर आज वो अपने बाबा से भी नाराज़ हो गई है। मेरी गोद में क्यों नहीं आ रही, क्यों वो अंदर खामोश लेटी है? वो मर्द थे मगर रो रहे थे शिद्दत से, उनकी आवाज़ टूट रही थी। कितना दर्द हो रहा होगा उसे सुरैया जब उसे गोली लगी होगी। उसने तो कभी झूठ नहीं बोला, किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर उसे ये तकलीफ़ क्यों मिली? सुरैया वो मज़ीद शिद्दत से रोने लगे थे। सुरैया ने बमुश्किल अपने आप को रोने से रोका था। आजमाइश है फारूक, और आजमाइश तो अल्लाह अपने अच्छे बंदों से ही लेता है। रुके हुए आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ के निकले थे। वो उन्हें रोता छोड़ के साइड पर रखे बेंच पर निढाल से गिरी थी। आज सुबह ही तो उन्होंने उसे नाराज़ किया था, उसे कितना कुछ कहा था, उसने तो वजाहत देने का मौका भी नहीं दिया था। अगर वो ऐसे चली गई तो वो घबरा के खड़ी हुई। नहीं अल्लाह प्लीज़, मेरी बच्ची को कुछ ना हो। वो जल्दी से प्रेयर रूम की जानी भागी थी। उन्हें अपनी बेटी के लिए दुआ करनी थी और वो माँ थी, उन्हें दुआ मांगनी आती थी। दादो ने नम आंखों से उन्हें जाते देखा था। उनका दिल दर्द से फटा जा रहा था। भले वो उसे डांट लें या उससे गुस्सा हो लें, मोहब्बत वो उससे बेइंतहा करती थी।
कितना ख्याल रखती थी वो उनका। उसके हाथ का सुबह का नाश्ता, उसकी छोटी छोटी शरारतें, अगर उन्हें पता होता कि शादी में उनकी पोती का ये हाल होगा तो वो कभी उसे यहाँ ना लाती। आज वो कितनी अच्छी, कितनी प्यारी लग रही थी। शायद नज़र लग गई थी उनकी पोती की खूबसूरत सब्ज आँखों को, जो वो इस तरह से उन्हें बंद किए लेटी थी। दादू ने थक कर गहरा सांस लिया और अपनी तस्बीह पर उसके लिए कोई विर्द करने लगी। थोड़ी ही देर में शहरीन वॉशरूम से बाहर आई तो उसका चेहरा धुला हुआ था। उसने सारी ज्वेलरी उतार कर हैंड बैग में डाल दी थी। दुपट्टा, जो कभी ज़िंदगी में उसने नहीं रखा था, आज हिजाब की तरह सर के गिर्द लिपटा था। नाहिद उसे देखते ही बेचैनी से उसके पास आई थी। कहाँ थी तुम, कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें, वह हद दर्जे फिक्रमंदी से उसे बाजू से पकड़ के पूछ रही थी। जवाब में उसने बस एक खाली नज़र से उन्हें देखा। नाहिद को कुछ तो अजीब लगा था उसकी आंखों में, वो परेशान हो चुकी थी। शहरीन ने कुछ नहीं कहा, अपना बाजू नरमी से उनके ग्रिफ से छुड़वाया। वो आराम से चलती हुई दादू की व्हीलचेयर के करीब आके घुटनों के बल बैठी, सर उनकी गोद में रखा। नायाब, दादू जो आंखें मूंदे तस्बीह में कुछ पढ़ रही थी अचानक खुशी से चौंक के उठी। शहरीन ने सर उठा के उन्हें देखा तो उनकी आंखों में हैरत उतर आई। शहरीन तुम? शहरीन उदासी से मुस्कुराई। मुझे नमाज पढ़नी है दादू। और मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती, क्या आप मुझे नमाज सिखाएंगी? उनके हाथ को मोहब्बत से थाम के वो उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। दादू कुछ देर उसकी आंखों में देखती रहीं, फिर नम आंखों से मुस्कुराई, झुक के उसका माथा चूमा। मुझे ले चलो नमाज वाले कमरे की तरफ, मैंने खुद भी नमाज पढ़नी है। दादू के कहने पर वो मुतमईन से मुस्कुराई, जल्दी से उठी और उनकी व्हील चेयर थामी और उसका रुख भी प्रेयर रूम की तरफ मोड़ा। नाहिद ने फटी आंखों से ये सारे मंजर देखे थे। उसके दिमाग में बहुत से सवाल मचल रहे थे जिनके जवाब वो वापस घर जाके ही मालूम कर सकती थी, मगर दादू को उससे कोई सवाल पूछने की ज़रूरत ना थी। वो आंखें पढ़ने का हुनर जानती थी। वो उसकी आंखों में साफ लिखा था कि वो सीधे रास्ते की तरफ पलटना चाहती है, और दादू ये भी जानती थी कि सीधे रास्ते पर पहला कदम रखने वालों से सवाल नहीं किए जाते, बस उनका हाथ थाम कर उन्हें आगे बढ़ने में मदद दी जाती है। ब्रैकेट, और यही तो खूबसूरत बात थी सीधे रास्ते की। 3 घंटे बाद जब डॉक्टर वेटिंग एरिया में आया तो वो सब बेताबी से खड़े हुए थे। सबकी आंखों में उम्मीदें जगमगा रही थी। भीड़ अब ज़्यादा हो चुकी थी। उसके सारे स्टाफ के मेंबर्स भी अब वहाँ मौजूद थे। ये किसी भी मरीज़ के लिए पहली इतनी भीड़ थी जो अस्पताल में इकट्ठी हुई थी। इस वक्त वहाँ इतना सन्नाटा छाया था, सुई गिरने की आवाज़ भी आसानी से सुनी जा सकती थी। दम साधे, धड़कने रोके, वो सब डॉक्टर को घूर रहे थे। डॉक्टर ने हल्का सा मुस्कुरा कर देखा। शी इज़ वेरी लकी, गोली ज़्यादा अंदर तक नहीं गई, खून ज़्यादा बह जाने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। ज़ख्म भी थोड़ा गहरा लगा है, मगर अब वो ठीक हैं। थोड़ी देर में उन्हें मुकम्मल होश आ जाएगा तो उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप लोग उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने एक ही सांस में उन सब के सवालों के जवाब दे डाले, और वो सब जो ध्यान से सुन रहे थे डॉक्टर की बात खत्म करने पर खुशी से झूम उठे। थैंक यू डॉक्टर, फारूक साहब आंखों में खुशी के आंसू लिए बोले तो डॉक्टर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। बिस्मा प्रेयर रूम की जानी भागी थी। उसे ये खबर उन सबको भी देनी थी जो उसके लिए दुआ करने गए थे। उसे होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल के कमरे में पाया। कुछ देर खाली दिमाग लिए कमरे की छत को घूरती रही, फिर एक झटके से सब याद आने पर वो घबरा के उठी। बाएं कंधे से दर्द की एक टीस सी उठी। अम्मी, वो दर्द से कराही। वो सब जो उसके पास थे वो एकदम उसके कराहने पर उसके करीब गए। मैं आप मेरी जान, तुम ठीक हो? सुरैया बेचैनी से उस तक आई, झुक के उसे गले से लगाया। वह हैरान नज़रों से सब देखने लगी। सुरैया ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भर कर उसका माथा चूमा था। मैं ठीक हूँ अम्मी, वो मुस्कुरा कर उनके हाथ थाम के बोली। आवाज़ बिल्कुल साफ थी। इससे पहले कि कोई कुछ और बोलता, पुलिस के अहलकार अंदर आए। सुरैया ने उसे तकिए का सहारा दे के बिठाया था। आप सब पीछे हटिए, हमें इनसे कुछ सवाल करने हैं। एएसपी की कड़कदार आवाज़ आई तो वो सब पीछे हो गए। अपनी माँ का बाजू थाम के खड़े जारून के दिल की धड़कन यकदम तेज़ हुई। सुरैया नायाब को छोड़ती पीछे आकर नाहिल के साथ खड़ी हुई तो इंस्पेक्टर नायाब के पास रखे स्टूल पर बैठ गया। सुमिस नायाब, अब आप ठीक हैं? वो पेशा वाराना मुस्कुराहट सजाए उससे मुखातिब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी रस्मी सा मुस्कुरा के बोली। तो फिर कुछ सवालों के जवाब जो मैं अब आपसे पूछने लगा हूँ, आई होप उनके जवाब आप पूरे होश से और ईमानदारी से देंगी। इंस्पेक्टर उसे जांचती नज़रों से देखता बोला तो उसने एतमाद से सर उठा के इस्बात में सहलाया। उस कमरे में जिस पर आप पे गोली चली, वहाँ उस वक्त और कौन कौन था? इंस्पेक्टर के सवाल पर नायाब ने एक नज़र खुद को घूरते नाइल पे डाली और दूसरी नज़र सर झुका के खड़े जारून पर, और फिर सर झटक के बोली, वहाँ बस हम 3 लोग थे, मैं और मेरे 2 कज़न। आप उनके नाम बता सकती हैं? नाइल और जारून, हाथ से उन दोनों की तरफ इशारा करके बताया।
तो इंस्पेक्टर ने सख्त नज़र उन दोनों पर डाली। आप पर गोली किसने चलाई? ये वो सवाल था जिस पर सबकी धड़कनें थमी थी। इस सवाल का जवाब किसी को नहीं पता था। आप उनके नाम बता सकती हैं? नाइल और जरूर, हाथ से दोनों की तरफ इशारा करके बताया। ये लाइन दोबारा रिपीट हुई है। ये वो सवाल था जिस पर सबकी धड़कनें थमी थी। इस सवाल का जवाब किसी को नहीं पता था। जारून ने घबरा कर नयाब को देखा और नयाब ने ज़ख्मी नज़रों से जारून को देखा। नयाब ने एक काबिल फहम नज़र सब पे डाली, चंद पल के लिए आंखें बंद की। मुझे पूरा यकीन है तुम उसे ठीक कर लोगी, फुप्पो की उम्मीद भरी आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। तुम सिर्फ मेरी हो, आज के बाद मुझे नाइल के साथ नज़र ना आओ। जारून का नफ़रत अमेज़ लहजा भी याद आया था। तुम पर किसी की बुरी नज़र मुझसे बर्दाश्त नहीं होती नायाब, नाइल की फ़िक्र भरी आवाज़ भी कहीं दूर से सुनाई थी। सबकी आवाज़ें वो सुन सकती थी मगर उसकी अपनी आवाज़ कहाँ थी? उसने अपने दिल में झांका था। उसे माफ़ कर दो नायाब, जेल इंसान को हैवान बना देती है, शायद तुम्हारे माफ़ कर देने से वो ठीक हो जाए। ये उसके अंदर की अच्छाई की आवाज़ थी। क्यों माफ़ करूँ? उसने कितना बुरा किया है मेरे साथ, उसने गोली चलाई है मुझ पर, मेरी जान लेने की कोशिश की, अपना खून क्यों माफ़ करूँ मैं? उसके अंदर की अनापरस्त लड़की चिल्लाई थी। तो उसे जेल भेज के तुम्हारे साथ जो हुआ वो ठीक हो जाएगा? अच्छाई अपनी बात पर मिस्र थी। उसे उसके किए की सज़ा तो मिलेगी, यही अल्लाह का कुरान कहता है, खून के बदले खून। अनापरस्त लड़की ने मजबूत दलील पेश की तो अच्छाई हल्का सा मुस्कुराई। तो नायाब फरूक भी उन लोगों में शामिल हो गई है जो कुरान को सिर्फ अपने मतलब के लिए समझते हैं। माना कि कुरान पाक के में खून के बदले खून का हुक्म है, मगर ख़ुद सोचो, अगर ये तरीका सबसे अफजल होता तो अल्लाह माफ़ कर देने वाले को ज़्यादा अजर क्यों देता? माफ़ करना बदला लेने से ज़्यादा मुश्किल होता है नायाब, ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनमें अना ना हो। और आज मुझे अफसोस हो रहा है तुम पे, तुम्हें भी ये मैं खा गई। मुझे लगा था तुम अलग होगी, तुम भी वही निकली, खुद परस्त। आज तुम में और एक आम लड़की में कोई फ़र्क नहीं रहा, और जब कोई फ़र्क नहीं रहा तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा जो दिल करे वो करो, कार दर लहजे में बोलती वो अच्छी लड़की चुप हुई और मलामत भरी नज़र उस पर डाल के गायब हो गई। अनापरस्त लड़की ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मिस तयाब, आप ठीक हैं? इंस्पेक्टर की फिक्रमंद आवाज़ ने उसकी सोचों का तसलसल तोड़ा। वो चौंक के सीधी हुई। मैं ठीक हूँ, इंस्पेक्टर की तरफ देख के बोली तो उसने सही लाया। आपने बताया नहीं कि आप पे गोली किसने चलाई? फिर से वही सवाल दोहराता वह इंस्पेक्टर उसे उकताई हुई नज़रों से देख रहा था। नायाब ने एक गहरा सांस लिया। किसी ने गोली मुझ पर नहीं चलाई, मेरे कज़न्स बस रिवॉल्वर चेक कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था वो लोडेड है। गोली चली और मैं बीच में आ गई। उसने बाजू सीने पे बांध कर इतने एतमाद से पहली बार झूठ बोला था तो सब के सब हैरान रह गए। जारून ने बेयकीनी से उसे देखा था, उसके दिल पर लगी गिरहें एकदम टूटी थी। आर यू श्योर कि आप यही बयान रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं? इंस्पेक्टर ने एक आखिरी बार उससे पूछा था। श्योर, शानी उचका के उसने बात ख़त्म की तो पुलिस वाला अलविदाई नज़र सब पे डालता अपने अमले समेत वहाँ से निकल गया। ये क्या किया तुमने नायाब? बताया क्यों नहीं पुलिस वालों को कि तुम पे गोली जारून ने चलाई है? इंस्पेक्टर के बाहर निकलते ही नाइल गुस्से से बोलता उसके करीब आया। बाकी सब जो नायाब के बयान से थोड़ा मुतमईन हुए थे इस इनकशाफ पर हैरान ही रह गए थे। क्या मतलब है, जारून ने गोली चलाई है नायाब पे? सुरैया की ताज्जुब भरी आवाज़ सुनाई दी तो नाइल उनकी जानिब मुड़ा। जी, जारून ने ही गोली चलाई थी नायाब पे। नाइल ने कार तार नज़र शर्मिंदा से खड़े जारून पे डाली। इसने मुझ पर गोली नहीं चलाई थी, तुम पे चलाई थी नाइल, नायाब बीच में ही भड़क के बोली तो वो उसके थोड़ा और करीब आया। तो मेरी जान की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे नज़दीक? ज़ख्मी नज़रों से उसे देखते पूछ रहा था। नायाब ने गहरा सांस लिया। तुम्हारी गोली मैंने खा ली, और कितनी वैल्यू चाहिए तुम्हें नाइल? उसने सवालिया अबरू उठा के उसे देखा था। वो लाजवाब होकर रह गया। तो तुमने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया नायाब? फारूक साहब झुंझला के बोल पड़े। ब्रैकेट, बाकी सब शौक से उन लोगों को बहस करते देख रहे थे। नायाब ने आंखें बंद करके ढेर सारे आंसुओं को अंदर उतारा। सुरैया उसके पास आई थी, नरमी से उसके शाने पे हाथ रखा था। बताओ नायाब, तुमने क्यों किया ऐसा? क्यों अपने मुजरिम को सज़ा नहीं दी? नायाब ने सर उठा के उन्हें देखा। वो नम आंखों से मुस्कुराती उससे पूछ रही थी। उनकी आंखों में साफ लिखा था कि वो सब समझ गई हैं, मगर बाकी सबको वही समझा सकती थी। नायाब ने उन पर से नज़र हटा के शुमाइल फुप्पो को देखा। आज एक माँ मेरे पास आई थी, ये उम्मीद लेके कि मैं उसके बेटे को ठीक कर सकती हूँ। वो उसे ठीक करने का उसे ठीक करने का इससे बेहतर तरीका मेरे पास कोई नहीं था। हाँ, मैं उसे जेल भेज सकती थी, मगर जेल भेज देने से वो मज़ीद मेंटली अपसेट हो सकता था।
शायद मेरे माफ़ कर देने से वो ठीक हो जाए, और वैसे भी मैं वही करती हूँ जिससे मुझे सुकून मिले, और माफ़ कर देने से ज़्यादा सुकून किसी और चीज़ में नहीं। सादगी से शानी उचका के कहती वो सादा सी लड़की सबकी आंखों में आंसू ले आई थी। सुरैया ने उसे गले लगा के उसका सर चूमा था। फारूक साहब और दादो ने फ़खर से अपनी नायाब को देखते आंखों में आए आंसू साफ किए थे। वहाँ अब सब खुश थे, मगर वो तीन जो आज के दिन बदले थे, जिन्हें ज़िंदगी ने घुटनों के बल झुकाया था, नाइल, शहरीन और सारून, जिन्हें लगता था कि अब वो सुधर गए हैं। नायाब ने उनको हकीकत का दूसरा रुख भी दिखाया था। वो रश्क भरी नज़रों से उसे देख रहे थे। फारूक साहब अब उसके पास बैठे थे। दादो को सुरैया ने उसी के पास बेड पर बिठा दिया था, जिनके गाल वो मुस्कुरा कर चूम रही थी। वो सच में पुरसकून थी, और ये सुकून सिर्फ चंद लोगों को ही हासिल हो पाता था। उसे अस्पताल से घर आए एक हफ्ता हो चुका था। उसका जख्म काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था। इस एक हफ्ते में उसे इतनी मोहब्बत मिली थी कि वह हैरान रह गई। जगह जगह से उसके लिए इतने फूल और कार्ड जमा हो गए थे कि अब संभालने मुश्किल हो गए थे। घर वालों ने अलग हाथ का छाला बना रखा था। मजाल है उसे कोई बेड से नीचे उतरने देता। स्पेशली इस्माइल पप्पो तो हर वक्त उसके साथ रही थी। अभी थोड़ी ही देर पहले उसने आराम कबूल कर सबको कमरे से बाहर भेजा था। अब वो खिड़की में खड़ी उन सारे खुशकुन वाकयात के बारे में सोच रही थी जो इन चंद दिनों में रौनमा हुए थे। नाइल की शादी थोड़े दिनों के लिए मुलतवी कर दी गई थी ब्रैकेट, और अब कल उसका निकाह सादगी से रखा गया था, और समीना पप्पो ने उन सबको वापस नहीं जाने दिया था। कल ही शहरीन उससे मिल के गई थी। उसने अपने हर बुरे रवैये की माफ़ी मांगी थी, और तो और फिल्म करने से भी इनकार कर दिया। दुपट्टे में लिपटी वो मॉडर्न सी लड़की कितनी मासूम लगी थी उसे। नायाब ने ना सिर्फ उसे माफ़ किया था, बल्कि अब उनकी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। सारून भी सुधर चुका था, मगर अभी तक वो एक बार भी उसके सामने नहीं आया था। सोचते हुए वो यकदम चौंकी, सामने तो मेरे ये नाइल का बच्चा भी नहीं आया। सारून को तो चलो गिल्ट होगा, मगर इस नाइल को क्या मौत पड़ी है, एक बार भी देखने नहीं आया। गधा, लगने देती उसी गोली तो समझ आती उसे, उसने कुड़ के सोचा और मुंह बनाती वापस बेड तक आई थी। बेड क्राउन से टेक लगा के आंखें मूंदी ही थीं कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसका दिल बेइख्तियार धड़का, कहीं नाइल तो नहीं, मुस्कुरा कर सोचा। फिर अगले ही लम्हे चेहरा सपाट किया। कमिन, रोब से कहती वो दोबारा टेक लगा के बैठ गई। आ गई नवाब साहब को मेरी याद, मैं भी कोई लिफ्ट नहीं करवाऊंगी, दिल में सोचती वो बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोक रही थी। दरवाज़ा आराम से खुला था, कोई अंदर आया। वो वैसे ही टेक लगा के बैठी थी। नायाब आने वाले की नर्म सी आवाज़ पर वो चौंक के उठी। वो नाइल नहीं था, ज़रून था। शर्मिंदा नज़रों से देखता दरवाजे की चौखट पे खड़ा था। नायाब ने नाइल को जरे लब गधे के खताब से नवाजा, और सीधी होकर बैठी। अरे ज़रून आओ ना, खड़े क्यों हो, बैठो, वो मुस्कुरा कर कहती उसे सोफे पर बैठने का इशारा कर रही थी। अंदाज एकदम दोस्ताना था। ब्रैकेट, अब वो उन लोगों में से नहीं थी कि माफ़ करने के बाद भी दिल में नफ़रत रखते। वो जब माफ़ कर देती थी तो पिछला ना कुछ याद करती थी, ना किसी को करने देती थी। ज़ारून ने चंद पल चौंक के उसे देखा। उसकी सब्ज आँखें उसके लिए सिर्फ नरमी थी, ना गुस्सा ना चिड़चिड़ाहट। वह सर झटकता सोफे पर बैठ गया। कैसी हो, शर्मिंदगी छुपाता वो बमुश्किल बोल पाया था। नायाब ने गहरा सांस देखी, कुछ देर उसे देखा, जिसका सर कभी झुकता ही नहीं था, आज वो सर झुकाए बैठा था। वो गिल्ट में था, और उसका गिल्ट वही दूर कर सकती थी। इतने दिनों बाद याद आया तुम्हें कि मेरी तबीयत पूछती है, ज़रून ने नाराज़ लहजे पर सर उठा के उसे देखा। वो गुस्से में लगती थी, मगर आंखों में शरारत की चमक थी। नायाब, मैं शर्मिंदा हूँ, बड़ी मुश्किल से खुद को तुम्हारे सामने करने के लिए तैयार करके लाया हूँ, प्लीज़, संजीदगी से बोलते हुए उसका सर फिर से झुक चुका था। डोंट टेल मी कि तुम यहाँ सॉरी या थैंक यू बोलने आए हो, नायाब ने उसे मजीद बोलने नहीं दिया था। जब मैंने उस दिन तुम्हें माफ़ कर दिया तो दिल से माफ़ कर दिया, और मैं पिछली बातों पर ना खुद शर्मिंदा होती हूँ ना किसी को होने देती हूँ, इसलिए बीती बातों को मारो गोली और कोई आज की बात करो, शरारत से कह के उसने शाने उचकाए तो ज़रून ने बेख्तियार झुका सर फिर उठा के उसे देखा। वो बिल्कुल ऐसे बात कर रही थी जैसे उन दोनों में कमाल की दोस्ती हो। मैं जानता हूँ तुमने मुझे माफ़ कर दिया है, मगर मैं शर्मिंदा हूँ, मेरा गिल्ट कम नहीं हो रहा, मैं खुद से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा। वह शदीद बेबस लगता था, वो उसकी हालत समझ सकती थी। ये शर्मिंदगी इसलिए है कि तुम खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे, अपने आप को माफ़ कर दो ज़रून, हर उस गलती के लिए जो तुमने की है, तभी तुम खुद से नज़रें मिला पाओगे। मगर मेरा ज़मीर मुझे खुद को माफ़ करने नहीं देता, उसने अपना सर हाथों पर गिरा लिया था। ज़मीर बेरहम होता है, और बेरहम से रहम की अपील करना बेवकूफ़ी होती है ज़रून, नायाब ने मुस्कुरा कर नाकाबिले फहम नज़रों से देखा तो कुछ पल के लिए वो साकित सा हो गया। फिर किससे रहम की अपील करूँ,
सवालिया नज़रों से नायाब को घूरता वो काफ़ी डिस्टर्ब लग रहा था। रहमान से नायाब ने मुस्कुरा के उंगली आसमान की तरफ मोड़ी तो जारून को लगा कि उसकी सांस रुक गई है। इतने दिनों से वो खुद से माफ़ी मांग रहा था, अल्लाह से माफ़ी तो उसने मांगी ही नहीं थी। दिल पे लगी आखिरी गिरा भी टूट गई। उसने बेख्तियार आंखों में आए आंसू साफ किए और तशक्कुर अमेज़ नज़रों से अपनी मोहसिना को देखा। मुस्कुराती नज़रों से देख रही थी, शायद वो समझ चुकी थी जो वो उसे समझाना चाहती थी वो समझ गया है। थैंक यू नायाब, थैंक यू सो मच मुझे ये नई ज़िंदगी देने के लिए, मुझे सीधा रास्ता दिखाने के लिए। शिद्दत जज्बात से उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुम्हारे सूखे थैंक यू का मैं अचार डालूं? जल के कहती दोबारा टेक लगा के बैठी तो जरून की आंखों में हैरान की दराई। अच्छे खासे अमीर आदमी हो, खुद का बिजनेस है, थोड़ी जेब ढीली करो, यहाँ कमरे में रह रहे के बोर हो गई हूँ, मुझे और मेरे दोस्तों को आउटिंग पे लेके चलो। सोचते हुए दो मिनट चुप हुई। वो जो हैरान सा बैठा था उसके माथे पर यकदम बल कम हुए थे। लंच डिनर पीसी में करवाओ और हम चारों को अच्छी सी शॉपिंग भी करवाओ तो मैं तुम्हारी सॉरी और ये थैंक यू वट एवर जो भी है कबूल कर लूँगी। शान बेनियाजी से बोलते आखिर में गर्दन अकड़ा कर उसने फरमाइशों की लंबी लिस्ट उसे थमाई तो जारून ने नफ़ी में सहेला ब्रैकेट। वो जिसने इतने दिनों में उसे शर्मिंदा नहीं होने दिया था, आज वो अपने सामने क्यों शर्मिंदा होने देती? मतलब मुझे कंगला किए बिना नहीं मानोगी? वो बेचारगी से बोला तो उसने आँखें पटपटा के अस्पताल में सहेला। जारून ने गहरा सांस लिया। अच्छा ठीक है, बताओ कौन सी दोस्तें हैं तुम्हारी? फरवा, बिस्मा और शहरीन, एक्साइटेड से कहते हुए आगे बढ़ी। मगर उसके ये तीनों नाम लेने पर वो फुदक कर सोफे से खड़ा हुआ। वो तीन तुम्हारी सहेलियां हैं और तुम चाहती हो कि मैं उन तीनों को शॉपिंग करवाऊँ? वो शौक के आलम में बोला तो नया आपने फिर से अस्पात में सहेला। जी नहीं, मैं हरगिज़ उन चुड़ैलों के साथ लेके नहीं जाऊँगा। जितना शॉपिंग का उन्हें क्रेज़ है मुझे तो सड़क पर ले आएंगी। वो नफ़ी में सहेलाता साफ कर गया। तुम मेरे दोस्तों को चुड़ैल बोल रहे हो, इतनी भी बुरी नहीं। नया आपने खफा नज़र उस पर डाली तो वह जल ही तो गया था। इतनी बुरी नहीं है, बहुत बुरी है। और बाकी दो तो चलो फिर ठीक है, मगर तुम्हारी वो दोस्त फरवा, तोपा। उसने दोनों कानों को हाथ लगाए। फरवा बेदहानी से उछलती खुले दरवाजे से अंदर आई मगर जरून की बातें सुनकर छिटक के रुकी। नायाब की नज़र जूं ही उस पर पड़ी थी उसने घबरा कर जरून को देखा, मगर वह बिना नायाब पे ध्यान दिए अपने दिल की बड़ास निकाल रहा था। पिछले एक हफ्ते से मैं उसके ताने और घूरती नज़रें बर्दाश्त कर रहा हूँ, कसम से बिल्कुल ऐसी घूरती है जैसे चुड़ैल अपने शिकार को घूरती है, और तुम चाहती हो मैं उस चुड़ैल को शॉपिंग पे ले जाऊँ ताकि खून के साथ साथ वह मेरे पैसे भी ख़त्म कर जाए? नागवारी से बोलते उसने सर झटका तो नया अपने मुस्कुराहट दबा के उसे देखा। सोचो अगर ये सब फरवा सुन ले तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगी? नया अपने अफसोस से गर्दन हिलाई। तो मैं क्या डरता हूँ उससे, बेशक सुन ले। जरून ने नाक से मक्खी उड़ाई तो पीछे खड़ी फरवा का खून मजीद खोल गया। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे घूम कर दिखाओ, नया अपने मासूमियत से कहा तो वो लो ये भी कोई काम है, कहता पीछे घूम कर दोबारा उसकी जानिब मुड़ा। लो घूम गया, बेदहानी में बोलते हुए वो चौंका, आंखों में यकदम डर सिमट आया। नायाब ने बमुश्किल खुद को हंसते से रोका। अब घूमेगा इसका सर, नायाब ने मज़े से कहते अपना फ़ोन उठाया, वीडियो कैमरा ऑन किया। WWE की रेसलिंग लाइव देखने को मिलने वाली थी। जारून खुश लगों पे जबान फेरता पीछे मुड़ा तो वो सुर्ख चेहरा लिए उसे काट खाने वाली नज़रों से घूर रही थी। तुमने मुझे चुड़ैल कहा, अब बताती हूँ तुम्हें चुड़ैल होती क्या है। फरवा ने खून खार लहजे में बोलते अपने लंबे नाखूनों से उसके चेहरे पर हमला किया तो वो बेचारा वह मुश्किल खुद को बचाता वहाँ से बाहर को भागा। रुको तुम बताती हूँ तुम्हें, फरवा चिल्लाती हुई उसके पीछे भागी तो नायाब का दिमाग ही घूम गया। अरे इधर ही लड़ो ना तुम दोनों, उसने पीछे से चिल्ला कर कहा, मगर वह दोनों शायद दूर भाग चुके थे। नायाब ने कुड़ के मोबाइल बंद करके नीचे रखा, उस बेचारी का सारा शो ही खराब हो गया था। दूसरे दिन घर में अजीब अफरा तफरी सी फैली थी। नाइल का निकाह सादगी से था मगर उनके घर पर ही था। नायाब को उन लोगों ने यह बोल के चुप करवा दिया था कि शहरीन की मर्जी इसी में है और वो मानने के अलावा कर भी क्या कर सकती थी, मगर उसे ताल में कुछ काला ज़रूर लग रहा था क्योंकि वो सब मशकूक हरकतें कर रहे थे। नायल गधे के सर से सींग की तरह गायब था। समीना, सुरैया और शुमाइल उसे दो तीन बार कुसर करती दिखाई थी मगर उसके आते ही बिल्कुल चुप। वो सब कुछ तो छुपा रहे थे मगर क्या? बहुत सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने उन सबको उनके हाल पर ही छोड़ दिया। फिलहाल वह सारी उलझनों को झटकते हुए वापस कमरे में आई थी जहाँ सारी लड़कियाँ निकाह की मुनासबत से तैयार हो रही थी।
वो अंदर दाखिल हुई तो फरवा फुदकती हुई उस तक आई। गुलाबी लंबे फ्रॉक के साथ हल्के से मेकअप और खुले बालों में वो अच्छी लग रही थी। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लग रही हो, मैं आपने उसके पास आने पर मुस्कुरा के कहा तो उसने सर खम करके उसका शुक्रिया अदा किया। उसे बाजू से पकड़ के बेड तक लाई। हम सब तो तैयार हो चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है, चलो जल्दी से ये जोड़ा पहन के आओ। फरवा ने मुस्कुरा कर कहते हुए बेड पर पड़ा भारी जोड़ा उसे थमा दिया। उसने हैरत से हाथ में पकड़े जोड़े को एक नज़र देखा। ब्रैकेट सफ़ेद रंग का खूबसूरत फ्रॉक था जिसके गले और दामन पर स्टोन वर्क हुआ था। दुपट्टा गहरा सुर्ख था जिसके बॉर्डर पर फ्रॉक जैसा काम था। नया अपने संभाल लिया, अब्रू उठा के फरवा को देखा कि दुल्हन का जोड़ा लग रहा है, मैं इतना हैवी जोड़ा नहीं पहन सकती। वो जोड़ा कहाँ है जो मैं निकाल के गई थी? उसकी तफ्तीश शुरू हो चुकी थी। फरवा ने थूक निकल के खुद को नॉर्मल किया। अरे ये मैंने जोड़ा लिया है तुम्हारे लिए, आज तुम यही पहनोगी। फरवा के कुछ भी बोलने से पहले समीना फुप्पो मोहब्बत से बोलती दरवाजे से अंदर आई। मगर फुप्पो इतना हैवी? उसने ज़रा उलझ के देखा। कोई हैवी नहीं है, बस तुम आज यही पहनोगी। फुप्पो ने तो हतमी लहजे में बात ही ख़त्म कर दी। लेकिन फुप्पो नया बेबसी से जोड़े की जानी देख के मिनमिनाई। मुझे पता है तुम अपने डिज़ाइन करदा कपड़े ही पहनती हो, मगर मेरा दिल है कि मेरे बेटे की शादी में तुम मेरी पसंद के कपड़े पहनो। मगर मुझे क्या पता था तुम मेरी बात ही नहीं मानोगी। समीना ने इमोशनल होकर आंखों से मस्नूई आंसू साफ किए और जोड़ा उसके हाथ से लिया तो वो गड़बड़ा ही गई। नहीं नहीं फूपो, मैं पहनती हूँ ना, बहुत प्यारा है। नयाब ने उनके हाथ से जोड़ा वापस लिया और ख़ुद को कोसती वॉशरूम की जानी बढ़ गई। वाह फूपो, कमाल की एक्टिंग की है आपने। जब वो अंदर चली गई तो फरवा और समीना ने शरारत से एक दूसरे को देखते हाथ पे हाथ मारा। थोड़ा हंसी फिर मुंह पे हाथ रखते हुए चुप हुई। टॉप सीक्रेट वाली नज़रों से एक दूसरे को देख के सर हिलाया। जब वह जोड़ा पहन के बाहर आई तो उसकी छप ही निराली थी। इतना खूबसूरत वो पहले कभी नहीं लगी थी। फरवा के मुंह से बेख्तियार माशाल्लाह निकला था। उसने उसके पास आकर ड्रामाई अंदाज में उंगलियों की नोक से काजल अपनी आँखों के कोने से लेकर उसकी गर्दन के पीछे लगाया। नयाब उकताई हुई नज़रों से उसे देख रही थी। आओ मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। फरवा ने उसका हाथ पकड़ के उसे ड्रेसिंग टेबल के पास लाई और कंधों से दबा के स्टूल पर बिठाया। मैं ज्वेलरी ले आई हूँ। इतने में बिस्मा भी अपना पीच रंग का लहंगा संभालती एक हाथ में ज्वेलरी का डब्बा पकड़े अंदर आई। नयाब ने गर्दन मोड़ के उसे देखा। पीच रंग का लहंगा पहने, बालों को जूड़े में बांधे, लाइट से मेकअप में वो बहुत अच्छी लगी थी। वाओ माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो तुम नयाब, वो मोहब्बत से बोलती उस तक आई। ज्वेलरी बॉक्स फरवा को थमाया और नयाब को झुक के गले से लगाया। नयाब ने उसे नरमी से खुद से अलग किया और जांचती नज़रों से उन दोनों को देखा। तुम दोनों ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे शादी मेरी है, वो यकदम से सवालिया अब्रू उठा के बोली तो वो दोनों गड़बड़ा गई। तुम्हारी शादी है तो नहीं, मगर तुम कहो तो बात करें सुरैया आंटी से, तरुण बेचारा तो खुशी से पागल ही हो जाएगा। फरवा ने आंखें मटका कर कहा तो नयाब ने एक सख्त नज़र उस पर डाली और सर झटकती आईने की जानिब मुड़ी। मैं खुद तैयार हो जाऊंगी, तुम दोनों जाओ एंजॉय करो, सादगी से बोलती वो अपना क्लच खोलने लगी तो बिस्मा ने आगे बढ़ के उसके हाथ से उचक लिया। जी नहीं, आज हम तुम्हें तैयार करेंगे, हमें पता है तुम खुद तैयार होती हो, आज तुम्हारी एक नहीं चलेगी, सब हम करेंगे, इसीलिए चुप होके बैठ जाओ। फरवा रोब से बोलते अपनी मेकअप का सामान खोल के ड्रेसिंग तक रखा। मगर क्यों, मुझे क्यों तैयार करना है तुम दोनों ने, वो भड़क कर चिल्लाई तो फरवा और बिस्मा ने मुश्तरका आँखें दिखाई। वो मुंह बनाती चुप होके बैठ गई और उसका मेकअप वो करने लगी। मेकअप सॉफ्ट सा था इसीलिए उसने करने दिया था, मगर जब ज्वेलरी की बारी आई तो ये इतनी हैवी ज्वेलरी मैं नहीं पहनूंगी। वो दोनों हाथ सीने पे बांधे नफी में सर हिलाती पीछे होके बैठी। ऐसे कैसे नहीं पहनूंगी, तुम्हारे तो अच्छे भी पहनेंगे। फरवा ने उसके इनकार को बुरी तरह रद्द करते हुए उसे ज़बरदस्ती ज्वेलरी पहना दी। नाजुक सा खूबसूरत सा हार जिसमें लगे सुर्ख याकूत अब उसकी गर्दन में जगमगा रहे थे, साथ ही मैचिंग बूंदे और मांग टीका भी। नयाब ने आईने में देखते अपने गले में पड़े उस खूबसूरत हार को छुआ था। वाव ये तो बहुत खूबसूरत है, वो मेस्मराइज नज़रों से देखती फरवा की जानिब मुड़ी जो मुस्कुरा कर शानी उचकाती अब उसके बालों को जूड़े में बांध रही थी। समीना पुप्पो ने तुम्हारे लिए भेजा है, बिस्मा ने फरवा को उसका दुपट्टा थमाते हुए सरसरी से कहा। अब नयाब को फिक्र सी होने लगी थी, समीना भी पुप्पो ये सब क्यों कर रही थी, वो अपने ख्यालों में खोई थी। फरवा और बिस्मा ने उसका दुपट्टा पिनों की मदद से सेट कर दिया जो दाईं तरफ से आगे डाला गया था और बाईं जानिब से पीछे। वो चौंकी तो तब जब बिस्मा और फरवा चुपके से दरवाज़ा बंद करती बाहर भाग गई। उसने दांत पीस के बंद दरवाजे को देखा।
पता था कि अब मैं सब पूछूंगी, इसीलिए भाग गई। भगौड़ियाँ मुँह बनाती वो खड़ी हुई, बेख्तियार नज़र सामने अपने अक्स पर पड़ी तो बिल्कुल थमसी गई। उसे लगा सामने कोई और ही लड़की खड़ी है। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो, क्या ये मैं हूँ? बेयकीनी से अपने चेहरे को छूती बुड़बुड़ाई। अभी वो अपने आप ही यकीन न कर पाई थी कि दरवाज़ा फिर से खुला था और अब सारी फैमिली यकदम से अंदर आई थी। वो इस अफ्ताद पर घबरा के पलटी, वो सब मुस्कुराती नज़रों से देख रहे थे। उसने एक उचट्टी नज़र सब पे डाली। सुरैया माशाल्लाह बोलती उस तक आई, मोहब्बत से उसका माथा चूमा और उसे स्टूल पर बिठाया। ये सब क्या हो रहा है? उसने हैरान नज़रों से सबको देखा और जो नज़र गहरे सब्ज रंग के कुर्ते पजामे के साथ सर पर हम रंग का स्कार्फ लपेटे शहरीन पे पड़ी तो उसकी आंखें बाहर उबलने को थीं। अब दादो उससे गले मिल रही थी। शहरीन तुम यहाँ? तुम तैयार नहीं हो? तुम्हारा तो निकाह है ना आज नाहिद के साथ। दादो उससे अलग हुई तो उसने शहरीन को देख के पूछा। वो नम आंखों से मुस्कुराती उस तक आई, उसके हाथ पकड़ के घुटनों के बल बैठी। निकाह तो नाहिद का है मगर मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ। शहरीन ने उसके हाथ दबाकर मजबूत लहजे में कहा तो उसकी हैरान नज़रों में सदमा दर आया। बाकी सब खामोश खड़े थे। जो बम फटना था फट चुका था, अब देखना था तबाही कितनी मचती है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये कैसे हो सकता है? वो अपने हाथ छुड़ाती यकदम खड़ी हुई। सुरैया ने कुछ कहना चाहा तो फारूक साहब ने हाथ से इशारा करके मना कर दिया। सुरैया भी खामोश हो गई। अभी नायाब को वही हैंडल कर सकते थे, ये वो जानती थी। ये मेरा फैसला है नायाब, क्या तुम अपने बाबा की ये पहली और आखिरी ख्वाहिश नहीं मानोगी? फारूक साहब ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहा। रियली अब्बू, आपको लगता है मुझे ऐसे जज्बाती करना आसान है? वो सवाल यह अबरू उठाकर तंजिया मुस्कुराते हुए उनकी जानी मुड़ी तो सुरैया ने अपना सर पीट लिया। जो भी समझो मेरा, मगर मेरा यही फैसला है। फारूक साहब ने हतमी लहजा अपनाया तो नायाब ने मस्तूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए सबको देखा। ओह, तो ये सब प्लानिंग करते रही आप सब? तभी मैं बोलूं सब इतना परफेक्ट कैसे है? वाह, क्या प्लान बनाया है आप सब ने। एन निकाह के वक्त बताएंगे नायाब को, वो इनकार नहीं कर पाएगी। ग्रेट, नायाब ने जज्बाती अंदाज में बोलते दोनों हाथ हवा में लहरा के उन सबको दाद दी। जो सब ने डीट पन का मुजाहरा करते हुए सर को खम करते हुए कबूल की। हैं, रियली आप सब मेरी बात नहीं सुनेंगे? सब ने नफ़ी में सर हिलाया। ऐसा लगता था जैसे सब कठपुतलियाँ हों। नायाब का तो खून ही खौल गया इस नाटक पर। तुम सब लोगों को मैं आखिरी बार बता रही हूँ, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली। वो सबको उंगली दिखाती वॉर्न करती दोबारा स्टूल पर बैठ गई तो फारूक साहब ने बाहर खड़े मौलवी साहब को अंदर बुलाया। वो बोतल के जिन की तरह फौरन से पहले हाजिर थे। नायाब ने फटी नज़रों से अपने अब्बू को देखा, झुंझुला के कुछ कहना चाहा तो दादो ने बीच में ही टोक दिया, चुप करो, अब तुम बोली तो तुम्हारी गज भर की जबान काट दूंगी। तौबा है, हमारे ज़माने में दुल्हन शादी से 2 साल तक नहीं बोलती थी और इसे देखो कैसे पटर पटर बोले जा रही है। दादो ने एक गुस्सीली नज़र उस पर डाली और मौलवी साहब की जानिब मुड़ी। मियाँ तुम किसके इंतज़ार में हो, निकाह पढ़वाओ? झिड़क के मौलवी साहब को कहा तो उन्होंने फौरन से रजिस्टर खोल के हैरान बैठी दुल्हन की गोद में रखा। बेटी साइन यहाँ पे कर दो। वो उसे उंगली से साइन करने वाली जगह की निशानदेही करवा रहे थे। आप ये सब अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ, उसने दांत पीस कर चिल्ला के कहा तो सब ने कानों में उंगलियाँ ठूस लीं। नायाब का दिल किया उन सबको, उफ बुरी तरह से फंस गई थी वो। साइन करो लड़की, मौलवी साहब ने और जगह निकाह पढ़वाने भी जाना है। दादो ने गुस्से से उसके हाथ में कलम थमाया तो उसने बेबसी से गहरा सांस लिया। ये सब उसकी कोई बात नहीं सुनने वाले थे, ये बात तो तय थी। मतलब गूंगे बहरे बन के आए हैं। मैं साइन कर दूंगी मगर आप सब पहले नाइल से तो बात करें, क्या पता वो मुझसे शादी ना करना चाहता हो। अब वो पैंतरा बदल कर मस्तूई मुस्कुराहट से बोली। कोई कुछ नहीं बोला, अलबत्ता मौलवी साहब ने झुक कर रजिस्टर का एक सफ़ा पीछे किया और उस सफ़े पर उसे देखने के लिए कहा। जूं ही उसकी नज़र सफ़े पर पड़ी वो फुदक के खड़ी हुई थी। नाइल का साइन करदा निकाहनामा, मतलब वो पहले ही आधा निकाह कर चुका है। फरवा ने मुस्कुराहट दबाकर उसे वापस स्टूल पर बिठा दिया। वो रो देने को थी, वो सब पूरी तैयारी के साथ आए थे। तुम्हारा आखिरी एतराज़ भी पूरा हो गया नायाब, अब साइन करो, फारूक साहब उसे हुक्म देते लहजे में बोले तो उसने बेबसी से आंखें ज़ोर से मींच के खोली। आप सब मेरी बात, साइन करो नायाब। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो सब यकदम ज़ोर से चिल्लाए। नायाब ने ज़ोर से दांत पीसे और धड़ाधड़ साइन कर दिए। मौलवी साहब ने एजाबो कबूल की रस्म निभाई और उसके सर पे हाथ रखते बाहर निकल गए। निकाह वाला सीन वैसे थोड़ा सा ड्रामेटिक है, मतलब इसको ज़्यादा अच्छे से भी लिखा जा सकता था। बहरहाल जो लिखा मैंने पढ़ दिया।
अब उसने नाकाबिले फहम नजरों से सबको घूरा। वो सब वैसे ही सपाट चेहरा लिए एक एक करते बाहर निकल गए थे। आखिर में मुस्कुराहट दबाती फरवा निकली थी, मगर जाने से पहले पलटी और ज़ोर से मुबारक हो कहती छपाक से बाहर भागी। नयाब ने ज़ोर से हाथ में पकड़ा कलम उसके पीछे से फेंका। वो बंद दरवाजे से टकरा के नीचे गिरा था। वो निढाल से बेड तक आई थी और धप से उस पर गिरी। क्या हो गया था इतना अचानक? नाइल और उसका शौहर, उफ। उसके मैसेज की रिंग टोन बजी तो बेदिली से उठा के देखा, फरवा का मैसेज था। उसने दांत पीस के मैसेज खोला। मेरी प्यारी सहेली नायाब, तुम सोच रही होगी कि यह सब अचानक कैसे हो गया, मगर ये सब अचानक नहीं हुआ। ये सब हम सब की एक हफ्ते की प्लानिंग थी। शेरिन ने खुद इस रिश्ते से इनकार करते हुए तुमसे शादी का आइडिया नाइल को दिया था। और अंधा क्या चाहता है, दो आँखें? वो तो फौरन मान गया। अब मसला था तुम्हारा, और हमें पता था कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, इसलिए ये सब ड्रामा करना पड़ा। और इस सब में तुम्हें नाइल की कमी तो लगी रही होगी, तो घबराओ मत, वो इंग्लैंड गया है अपनी डिग्री लेने। हमने तो कहा था निकाह बाद में रख लेते हैं जब तुम वापस आओ, मगर उसका कहना था कि कहीं तुम उसका सर न तोड़ दो, इसलिए तुम्हारे जाने के बाद ही निकाह करवाया जाए, ताकि जब वो आए तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। कसम से पूरा मजनू का भाई बना फिर रहा है पागल तुम्हारे पीछे। कितनी मुश्किल से इस पूरे हफ्ते हमने उसे तुमसे मिलने से दूर रखा है, हम ही जानते हैं। और अभी वो किस दिल से इंग्लैंड गया है वही जानता है। बेचारे की शक्ल देखने लायक थी। हाँ, वो थोड़ा जज्बाती है, इमोशनल है, मगर नायाब वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत भी करता है और तुमसे कहने से भी डरता है, इसलिए उसकी जगह मैं बता रही हूँ। अब वो तुम्हारा शौहर है। एक मोहब्बत करने वाला शौहर बहुत किस्मत वालों को मिलता है, उसकी कदर करना। तुम्हारी सबसे प्यारी जहीन और सुकर सहेली की तरफ से तुम्हें ये नई ज़िंदगी मुबारक हो। लंबा चौड़ा मैसेज उसने गौर से पढ़ा था। हर अगली लाइन पर उसका दिल थमा था। उसने बेयकीनी से मोबाइल बंद करके साइड पर रखा। क्या वो मुझसे? गधा कहीं का, खुद बोलने की हिम्मत नहीं है, सोचते हुए उसकी आंखें चमकी। निचला लब दांतों में दबाए उसने मोबाइल उठाया, इनबॉक्स खोला और मैसेज टाइप किया। मुझ पर ये फिल्मी डायलॉग असर नहीं करते, अगर इतनी ही मोहब्बत करता है तो खुद आके बोले। और तुम जो इतना पटर पटर बोल रही हो, मिलो मुझे, बताती हूँ तुम्हें। सेंड का बटन दबा के मोबाइल वापस साइड टेबल पर रखा और खुद आईने के सामने जा खड़ी हुई। वो आज सच में खूबसूरत लग रही थी। तो ये तुम्हारी कारिस्तानी है नाइन? वैसे है बड़ा चलाक, मैं उसकी शादी निपटाने आई थी और उसने मुझे ही निपटा दिया। शुक्र है आज से पहले मैं किसी फैमिली फंक्शन में नहीं गई। झुरझुरी लेती वो वॉशरूम की जानी बढ़ी। उसे इस हुलिये से फौरी तौर पर निजात चाहिए थी। आज 2 दिन पूरे हुए थे, वो अपने घर वापस आ गई थी। उसकी रुखसती उसके अपने घर से होनी थी। तारीख तय करने आज उन सब ने आना था। आना तो नाइल ने भी था आज। उन 2 दिनों में लाशौरी तौर पर उसने उसके किसी फ़ोन या मैसेज का इंतज़ार किया था, मगर मजाल है जो उसने कोई रब्ता करने की कोशिश भी की हो। अपने बेड के क्राउन से टेक लगा के बैठी वो ना चाहते हुए भी उसे ही सोच रही थी। उसका लहजा, उसकी कुछ जताती हुई नज़रें, वो समझ के भी कभी समझ नहीं पाई थी। ना ही कभी उसने नाइल को उस नज़र से देखा था, मगर अब अचानक से रिश्ता बदला तो सारे एहसास भी एकदम बदले थे। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में? ख्यालों में खोई वो एकदम चौंकी, मुस्कुरा कर सर झटका और चप्पल पहनती कमरे से बाहर निकल आई। कमरा बंद करके अभी कॉरिडोर में ही पहुँची थी कि नीचे से उन सब के बोलने की आवाज़ें आना शुरू हुईं। ये लोग तो शाम में आने वाले थे। माथे पे बल डाले थोड़ा आगे आई, वो रेलिंग से थोड़ा झुक के नीचे देखा। सामने सोफे पर वो टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था। ब्रैकेट सियाह रंग की कॉटन की शर्ट के साथ ग्रे जीन्स पहने हुए था। बाल हमेशा की तरह मखसूस स्टाइल में पीछे सेट थे। हल्की सी बड़ी शेव में वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अम्मी अबू उसके सामने वाले सोफे पे बैठे थे। दादू उसी के साथ सोफे पे बैठी थी। सामने लवाजमात से भरी डिश शीशे की मेज़ पे रखी थी। दादू मुसलसल उसे कुछ लेने के लिए बोल रही थी और वो मुस्कुरा कर नफी में सही ला रहा था। और जो नज़र ऊपर मोड़ी, नायाब फुदक के पीछे हटी। फुदक बहुत लिख रहे हैं ये लोग। दिल की धड़कन एकदम तेज़ हुई। उसने दिल पे हाथ रख के ना हमवार सांस बहाल की। मैं ज़रा नायाब को देख लूँ, नीचे से नाइल की आती आवाज़ ने उसे मज़ीद कंफ्यूज कर दिया। मुझे क्यों देखना है, पहले नहीं देखा क्या? खुद से बुड़बुड़ाती वो वापस कमरे में भागी थी। दरवाज़ा बंद किया, थोड़ी देर बंद दरवाजे को देखा, फिर नफी में सर हिला के दरवाज़ा वापस खोला। नहीं नहीं, बंद दरवाज़ा वो तब तक बजाएगा जब तक मैं खोल नहीं लेती। क्या करूँ, ज़िंदगी में पहली बार वो इतनी नर्वस हो रही थी। दाएँ से बाएँ चक्कर काटती वो तब चौंकी जब कदमों की आवाज़
करीब आई। वह वॉशरूम में भागी, जल्दी से कुंडी चढ़ाई और शावर खोल लिया। पानी की आवाज़ में बाहर की आवाज़ दब सी गई। उसने दरवाजे से कान लगा कर सुना था और की होल से अंदर झांका। शायद वो अंदर आ चुका था। नायाब, तो वॉशरूम में हो क्या? ताज्जुब से कहता वो वॉशरूम के दरवाजे के करीब आया तो वो जल्दी से पीछे हुई। थोड़ी देर में दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने वापस की होल से झांका। कोई नहीं नज़र आया तो थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर कछुए की तरह गर्दन निकाल कर बाहर देखा। वो शायद चला गया था, कमरा खाली था और दरवाज़ा बंद। वह सुकून भरी सांस लेती बाहर आई। मैं डरती थोड़ी ना हूँ उससे, वो तो बस ऐसे ही सबक सिखा रही थी उसे। अपने आप को ही जस्टिफिकेशन देती हुई आईने के सामने आ रुकी। सामने ड्रेसिंग पर पड़ा रबर बैंड उठाया और जूं ही खुले बालों को बांधने के लिए दोनों हाथों में समेटा तो यकदम साकित हुई। आईने में उसका अक्स साफ वाज़ेह था। वो बिल्कुल उसके पीछे खड़ा, सीने पे बाजू बांधे उसे मुस्कुराती नज़रों से देख रहा था। उसके हाथ से बाल छूट गए थे। वो पलटी नहीं थी, वैसे ही हैरान नज़रों से उसे देख रही थी। वो चलता हुआ बिल्कुल उसके पीछे आया, दाएं कंधे से बाल हटा के थोड़ी रखी। उसके दोनों हाथ मोहब्बत से थामे। आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब मर्द हूँ, क्योंकि मुझे तुम मिली हो। वो सामने आईने में नज़र आती उसकी सब्ज़ आँखों में देखता मोहब्बत से कह रहा था। वो उसके कितना करीब था और जिन नज़रों से घूर रहा था उसके गाल दहक उठे थे। नाइल, तुम? इससे पहले वो कुछ बोलती, नाइल ने उसका हाथ छोड़कर शहादत की उंगली उसके होंठों पर रख के उसे चुप करवाया। मैं अब इतना भी डरपोक नहीं कि अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार न कर सकूं। शरारत से कहते हुए उंगली उसके लबों से हटाई। कुछ देर सामने उसकी आंखों में देखा, कान के नज़दीक झुका। आई लव यू सो मच, मध्यम सी सरगोशी में बोला तो नायाब ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो मुस्कुराया। पिछले चंद दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे, तुमसे दूर रहना आसान नहीं था, वो उदासी से बोला। वो वैसे ही खड़ी रही। कितनी खूबसूरत लग रही थी तुम निकाह के जोड़े में, तुम्हारी तस्वीर देखकर तो दिल बड़ा बेईमान हुआ, मगर अब मज़ीद दूरी नहीं, जज्ब से बोलते उसने उसके कान की लो को चूमा। नायाब का सांस तक रुक गया। बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। एक आखिरी सरगोशी करता अगले ही पल वो कमरे से बाहर था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर उसने अपनी आँखें खोली और चौंक के पीछे मुड़कर सारे कमरे में देखा। इस बार सच में वो चला गया था। वह धड़कते दिल के साथ बेड पे आ बैठी, अपने कान की लो को छुआ। एक अनजानी सी मुस्कुराहट उसके लबों पे आ ठहरी। मुस्कुरा के बेड के वस्त में देखा तो सुर्ख फूलों का एक बुके पड़ा था। वो झट से उसके करीब हुई, उसे मोहब्बत से उठाया, गहरा सांस लेके उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारा, खुल के हंसी और फूलों को दिल से लगाती दब से बेड पे गिरी। ये एहसास भी बहुत खूबसूरत था कि वो उससे मोहब्बत करता था। 3 साल बाद, इन 3 सालों में बहुत कुछ बदला था। फरवा की शादी हो गई थी और अब वो परमानेंटली बेचारे जारून के खून के साथ साथ पैसा भी ख़त्म कर रही थी। बिस्मा शादी करके अपने शौहर के साथ लंदन सेटल हो गई थी। शहरीन अब अपना एक एनजीओ चलाती थी। और रहे हमारे नायाब और नाइल, भाई वो दोनों अब तक ना सुधरे थे। रात के 11 बजे उन दोनों के घर में झांको तो वो मसरूफ़ सी छोटी छोटी लाइट्स दीवार पर टांगते में लगी थी। घर के दीगर मुलाजिम यहाँ वहाँ भागकर काम निपटा रहे थे। आज उसकी 2 साल बेटी अमामा की दूसरी बर्थडे पार्टी थी। नाइल साहब सुबह से उसे लिए गायब थे और उसे पता था वो क्यों गायब है। लैंडलाइन का फ़ोन बजा तो वो अपने ख्यालों से चौंकी, एक नज़र इधर उधर दौड़ते मुलाजमों पर डाली, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। उफ़, उसने थक कर सांस ली और लाइट्स को छोड़ती फ़ोन के करीब आई। यस, मुस्कुरा कर ढेर सारा गुस्सा जब्त करके बोली, हैप्पी बर्थडे टू माई क्यूट लिटिल प्रिंसेस, सॉरी 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 फॉर द लेट विश, वो नॉन स्टॉप बोले गया। नायाब ने गहरा सांस लिया। सॉरी, मैं आपके प्रिंसेस नहीं हूँ, नायाब का दिल किया लैंडलाइन फ़ोन नाइल के सर पे दे मारे, मगर अफसोस हर बार का उसका यही ड्रामा होता था। तो आप कौन बोल रही हैं? मासूम सा सवाल झट से हाजिर था। नायाब बोल रही हूँ, वो दांत पीसती जब्त से बोली। पीछे से मुलाजमों की आवाज़ें वो सुन सकती थी, मगर उन सबको कुछ भी कहना बेकार था। ओह अच्छा, शायद मेरी बीवी ने नई काम वाली रखी है। नहीं हो इसलिए माफ़ कर देता हूँ, चलो जल्दी से मेरी बेटी से बात करवाओ, नायाब ने बमुश्किल खुद को मुश्तइल होने से रोका था। ओह हेलो, मैं काम वाली नहीं, आपकी बीवी नायाब बोल रही हूँ, भड़क के वो चिल्लाई थी। ओह एक मिनट, क्या अब वही नकचिड़ी बीवी है जो हर रोज़ मेरे घर पे ही पाई जाती है? शदीद अफसोस से अगला सवाल पूछा गया। जी हाँ, बिल्कुल वही हूँ। ओह माई गॉड,
आपने मेरी कॉल कैसे उठा ली? वह सख्त हैरान लगता था। वो सब छोड़ो, बताओ फ़ोन क्यों किया है? बड़ी ही कोई बेमुरव्वत हो बंदा शौहर का हाल ही पूछ लेता है। अभी मुरव्वत दिखाने का वक्त नहीं है, जल्दी बोलो काम क्या है। नया बेनियाजी से शानी उस कहाँ कर बोली तो वह सच में जल गया। मेरी बेटी से बात करवा दो। जली हुई आवाज़ पर नया अपने बमुश्किल अपना कह कहाँ रुका। वो घर पर नहीं है, अपने पापा के साथ गई है। सपाट आवाज़ में जवाब दिया तो वो फिर से बोला, ठीक है फिर मम्मी से ही बात कर लेते हैं। कितने दिन हो गए हैं हमने कोई रोमांटिक बात ही नहीं की। वह एकदम गंभीर आवाज़ में बोलते पटरी से उतरा तो नया अपने नफ़ी में सही लाया, हो गया तुम्हारा, अब घर आओ, पता नहीं किधर लेके निकल जाते हो मेरी बेटी को। एक्सक्यूज़ मी, वो मेरी भी बेटी है, वो फट से बोला तो नया अपने कोप से आँखें घुमाई। अच्छा तुम्हारी है, अब घर आओ, झुंझुला के कहते उसने फ़ोन रखा और फ्रिज से 3 मंजिला अपने हाथों से बनाया हुआ केक लाकर टेबल पर रखा। वो सुर्ख केक था जिस पर सफ़ेद फूल लगे थे, हमेशा की तरह शानदार। थोड़ी ही देर में उसी घर में उस छोटी सी बच्ची ने ब्रैकेट जो बेबी पिंक फ्रॉक में परी लग रही थी केक काटा। तालियों और खूबसूरत मुस्कुराहटों से रात का वो मंजर मुअत्तर हो गया था। घड़ी के पर्दे से झांकता 14वीं का चांद उस खूबसूरत मंजर को देख कर मुस्कुराया। आगे ऐसे कई मंजर वो देखने वाला था, सच में वो खुशनसीब था। ख़त्म शुद्ध। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द नॉवल दिल से दिल तक। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी एंड दैट्स द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट विच आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।